Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. दिवाचन आवास धन्यवाद असो. Today I would like to speak on the subject showers of blessing. आज मैं इस विषय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसका विषय है आशीषों की बरसात. आज मैं तुम्हारे एक विषय सांगू इच्छितो ते आशीर्वादाची वर्षा है. There are so many showers in this world, you must understand. इस संसार में बहुत सारे बरसातों को हम देख सकते हैं. या जगह मधे पुष्कर पाउस अपन पाउस शक्तो. There is something called acid rain. It falls. और हम लोग ऐसे एक देखते हैं जिसको एसिड का बारिश या एसिड का बरसात. अन्य अपन पातो कि एसिड चे पाउस देखिल अपन पातो. And fly ash. राख की बरसात. अन्य आगाचे गंदगाचे पाउस देखिल अपन पातो. Especially in the place where you got volcanoes. और विशेष करके जहाँ पर ज्वालामुखी फटता है वहाँ पर इस प्रकार की बरसात होता है. अने विशेष करून ज्या ठिकाणी ज्वालामुखी चे फाटून जाते त्या ठिकाणी अशा प्रकार चे पाऊस होते. इन इटली देयर इज अ वोल्केनो कॉल्ड विसुवेस, माउंटेन कॉल्ड विसुवेस. इटली में विसुवेस नामक एक पर्वत में एक ज्वालामुखी फटा. अने इटली चा विसुवेस या पर्वतावरती या प्रकार की ज्वालामुखी फाटली होती. Once there was volcanic eruption. और जब वहाँ पर ज्वालामुखी फूट निकला. अने जावेस त्या ठिकाणी ज्वालामुखी चे फाटून झाले. The whole city of Pompeii was finished. और पोम्पे नामक जो नगर है वो संपूर्ण रीति से नष्ट हो गया. अने फाउंटेन नावाचे जे शहर होते ते पूर्णपणे समाप्त झाले. सल्फर अदर थिंग्स विच कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन बीइंग. मनुष्य को विनाश करने वाले सारे गंत्रस और अग्नि वहां पर बरसाए. अनि मनुष्यला नाश करणारे विनाश रूपी अग्नि त्या ठिकाणी पाठविण्यात आले. ऑल वेजिटेशंस डिस्ट्रॉयड. जीवित सारे चीजें वहां पर नष्ट हो गए. अनि सजीव असे सर्व प्राणी मरून गेले. But this thing that I would like to speak now, it is called showers of blessing. लेकिन आज जो मैं आपके मध्य में बांटना चाहता हूँ वो है आशीषों की बरसात. आणि आज मी तुमच्या समोर जे वाटू इच्छित आहे ते आशीर्वादाचे पाऊस आहे. Along with that, I would like to mention what are those blessings of this shower. और उसी के साथ इस बरसात में क्या सारी आशीष है उसके बारे में भी मैं आपसे बताऊंगा. आणि या पावसामध्ये कोणत्या प्रकारचे आशीर्वाद आहे या विषयी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. For our meditation, shall we turn to the book of Ezekiel, chapter 34, verse 26. आइए हमारे ध्यान के लिए Ezekiel की किताब 34वें अध्याय उसके 26 वचन की ओर शास्त्र खोले. Ezekiel की पुस्तक 34 अध्याय के 26वें वचन कड़े अपने शास्त्र अपन उघड़ूया. और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेघ को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी. मी त्यास व माझ्या डोंगरा भोवतालच्या स्थळास मंगलकारक करीन. पाऊस योग्य ऋतूत पडेल असे मी करीन. मंगलदायक वृष्टी होईल. And I will make them and the places round about my hill a blessing and I will cause the shower to come down in a season. There shall be showers of blessing. There shall be showers of blessing. वो आशीषों की वर्षा होगी. मंगलदायक वृष्टि होईल. There was a beautiful song. There's a beautiful song which was composed in 1880, around 1880. 1980 के शतक में एक बहुत ही सुंदर गीत का रचना किया गया. अने 1980 मध्ये जाहे एक सुंदर गीताची रचना करण्यात आलेली होती. That song is there in Tamil, Kannada, Malayalam, all these languages. और तमिल भाषा में, कन्नड़ा भाषा में, मलयालम, इन सारी भाषाओं में ये गीत है. अने तमिल, मलयालम, कन्नड़ा या सर्व भाषांमध्ये या गीतांचे भाषांतर करण्यात आलेले आहे. I don't know whether these songs are there in Marathi and Hindi. मराठी में, हिंदी में ये गीत है मैं नहीं जानता. अनि मराठी हिंदी में ये गीत आहे का नहीं ठाउक नहीं. This was composed by a saint. His name was Daniel W. Whittle. Daniel W. Whittle नामक एक संत के द्वारा इस गीत का रचना हुआ था. अनि Daniel W. नामक एक व्यक्ति के द्वारे या गीता की रचना करने आली. Through the song there was a great revival also. उस गीत के द्वारा एक बहुत बड़ा संजीवन भी हुआ. अनि या गीता के द्वारे मोटे संजीवन देखिल आले. I'll just sing one stanza and one chorus. मैं केवल उस गीत का एक कोरस और एक stanza मात्र गाऊंगा. आणि त्या गीताचे एक कडवा आणि एक कोरस मात्र मी गाईन. If someone who are from CNA and CSI background, if you know the song, you can join with us and sing. अगर यहाँ पर कोई CNI या CSI के कलीसिया से आया है तो आप भी मेरे साथ इस गीतों को गाइएगा. आणि इथे जर कोणी CNI CSI चर्चवरून कोणी आले असेल तर तुम्ही सर्व माझ्या सोबत हे गीत गा.
There shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing. हम चाहते हैं कि विश्वास के साथ आप इस गीत को गाएं। तुम्हें विश्वास आने हे गीत गा। We would like you to listen to our message with faith। हम चाहते हैं कि हमारे संदेश को भी आप विश्वास के साथ सुने। तुम्हें आमचे उपदेश देखील विश्वास आने ऐका। In so many places Jesus mentioned, be it according to your faith। अनेक स्थानों में प्रभु यीशु मसीह को हम ये कहते हुए देखते हैं, तेरे विश्वास के अनुसार ही हो। अनेक ठिकाणी आपण आपल्या प्रभु यीशु ख्रिस्ताला हे म्हणताना पाहतो, तुझा विश्वास साच्या द्वारे होऊ दे। But we believe that the word of God is life, the word of God is truth, the word of God can do wonderful things even today। और हम इस बात को विश्वास करते कि परमेश्वर के वचन में जीवित है, परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर के वचन सच्चा है, वो आज भी अद्भुत अनोखे काम हमारे मध्य कर सकता है। अने आज भी अपने विश्वास करते परमेश्वराच्या वचनामध्ये सामर्थ्य आहे, ते वचन सत्य आहे आणि ते आपल्यामध्ये अद्भुत कार्य करू शकते। I would ask you a question today। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आज मी तुम्हास एक प्रश्न विचारतो। How many of you believe that God can shower His blessings upon us right now। आज और अभी ही परमेश्वर हमारे ऊपर आशीष की बरसात देगा, कितने लोग विश्वास करते हैं? आणि आज आणि आता आज परमेश्वर आशीर्वादाची वर्षा आपल्यावर पाठवेल, असे तुम्ही किती लोग विश्वास करीता? Don't just lift up your hands। ऐसे ही हाथ को ना उठाओ, फक्त आपले हाथ उंच करू नका। Without receiving blessing you are not supposed to go from here। इस स्थान में आशीष पाए बगैर आप जाना भी नहीं चाहिए। आणि तुम्ही या ठिकाणातून आशीर्वाद प्राप्त न करता परत जाऊ नये। If man has promised, he can cheat you, he can deceive you। एक मनुष्य अगर आपसे वायदा करे तो आपको धोखा दे सकता है। आणि एक मनुष्य तुमच्या सोबत करार करत असेल तर तुम आज धोखा देऊ शकतो। Sometimes parents deceive their children, husband and wife they deceive one another। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को धोखा देते हैं, कई बार पत्नी पति को धोखा दे बैठती है। काही वेळेस आपले आई वडील आपल्या लेकरांना करारातून धोखा देतात, काही पत्नी त्यांच्या पतींना त्यांच्या करारातून धोखा देतात। Word will not pass away। आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा किंतु मेरा कहा हुआ वचन कभी न टलेगा। आकाश आणि पृथ्वी नाही से होईल परंतु माझे शब्द नाही से होणार नाही। This verse that we read from the book of Ezekiel chapter 34 verse 26, it has got two fulfillments। और यह Ezekiel की किताब 34 के 26 वचन तो जो हमने पढ़ कर के देखा, उसमें दो प्रकार की पूर्णता को या होने वाली बात तो हम देखने पाते हैं। आणि Ezekiel चे पुस्तक 34 अध्याय चे सभी सर्व वचनामध्ये ज्या प्रकारे आपण वाचलो, दोन गोष्टी या ठिकाणी होणार आहे। Literally it gets fulfilled during the millennium। मिलेनियम या हजार साल के राज में अक्षर रीति से ये होवेगा। आणि अनंत काळाच्या राज्यामध्ये खरोखर हे गोष्ट होईल। There will not be any famine, there will not be any starvation। उन समय में कोई अकाल नहीं होगा, वहां पर कोई भूखमरी ना होगा। आणि त्या वेळेमध्ये अकाल पडणार नाही, भूखमरी कधी त्या ठिकाणी येणार नाही। Everything will be in plenty। वहां पर उस समय में सब कुछ बहुत आयत में दिखाई देगा। आणि त्या ठिकाणी सर्व काही बहुगुणित असे दिसून येईल। But as far as we the children of God are concerned, it has got a spiritual fulfillment too। लेकिन उसी के साथ हम जो परमेश्वर के संतान है, हमारे निमित्त इसमें एक आत्मिक
पूर्णता भी है आणि आपण जे परमेश्वराचे लेख आहोत आपल्यासाठी या गोष्टीमध्ये एक आत्मिक पूर्णता आहे. आई बिगिन माय मेसेज विथ अ ट्रू स्टोरी इन फ्रॉम नाइजीरिया इन अफ्रीका. नाइजीरिया जो अफ्रीका में स्थित है वहां पर घटी हुई एक सत्य घटना के साथ आज के संदेश को मैं आरंभ करूंगा. आणि नाइजीरिया जे अफ्रीका देशामध्ये आहे त्या ठिकाणी घडलेली एक सत्य घटनेसहित मी माझ्या उपदेशाचे प्रारंभ करेन. इन द बिगिनिंग ऑफ 1900 शताब्दी के आरंभ में आणि जेव्हा 1900 वर्ष लागू झाले वॉज अ ग्रेट फॅमिन एंड दॅट फॅमिन वॉज देअर इन महाराष्ट्र गुजरात ऑल्सो वी ऑल नो. और उस समय में तो बहुत बड़ा अकाल आया और वो अकाल इतना भयंकर था कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी वो हुआ जिसके बारे में हम जानते हैं. आणि 1900 वर्षांमध्ये जे आहे एक मोठे अकाल आले आणि ते अकाल महाराष्ट्र व गुजरात मध्ये होते हे आपण सर्वांना जाणतो. पीपल डिड नॉट हॅव एनीथिंग टू ईट. उन दिनों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था. आणि त्या वेळेमध्ये लोकांकडे खाण्यासाठी काही देखील नव्हते. सो सम पीपल दे ट्राई टू ऑफर सैक्रिफाइसेस. और उस समय में कुछ लोग बलियों को चढ़ाने लगे. आणि त्या वेळेस काही लोग अर्पण करू लागले. नाइजीरिया में आणि नाइजीरिया मध्ये नथिंग हॅपन. कुछ नहीं हुआ. तरी काही झाले नाही. दे ड्राइव ब्लड ऑफ द एनिमल्स. उन्होंने जानवरों के खून को पिया. आणि ते लोक जे आहे पशूंचे रक्त पिऊ लागले. नथिंग हॅपन. फिर भी कुछ नहीं हुआ. तरी देखील काही झाले नाही. दे एट रॉ फ्लेश. और उन्होंने कच्चा मांस खाया. आणि ते कच्चे मांस खाऊ लागले. दिस इज व्हॉट वाज हॅपनिंग इन अफ्रिका. और यही सब अफ्रिका के देश में हुआ करता. आणि हे सर्व अफ्रिका देशामध्ये होते. नथिंग हॅपन. फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं. तरी देखील काही रूपांतर झाले नाही. लेटर and there were no rains at all and their people were beginning to starve. और उस समय में कोई बरसात ना होने के कारण लोग भूखे मरने लगे. आणि त्या दिवसांमध्ये पाऊस न पडल्यामुळे अनेक लोक भूकमारीने मरू लागले. A pastor from a church approached another pastor. और एक पास्टर जी एक कलिसिया से दूसरे पास्टर के पास गए. आणि एक पास्टर एका मंडळीतून दुसऱ्या पास्टर कडे गेले. He was a pastor from सुदान इंटीरियर मिनिस्ट्री. और सुदान इंटीरियर मिशन. और सुदान के भीतरी एक मिशन के वो एक पादरी थे. आणि सुदान इंटीरियर मिशनरी चे ते पालक होते. हिज नेम वाज पास्टर टिटी कोंबे. और उसका नाम पास्टर डिडी कोंबे. आणि त्यांचे नाव डिडी कोंबे होते. ही सेड व्हाई कांट पास्टर व्हाई कांट वी जॉइन टुगेदर एंड प्रे. और उस पास्टर जी ने दूसरे पास्टर जी से इस प्रकार कहा कि क्यों ना आओ हम लोग मिलकर के प्रार्थना करें. आणि ते पास्टर त्या पालकाला म्हणू लागले का आपण एकत्र येऊन प्रार्थना करू नये. मीटिंग वाज अनाउंस्ड. और सभा की घोषणा किया गया. आणि सभेची घोषणा करण्यात आली. टुमोरो इवनिंग वी आर गोइंग टू प्रे. हम लोग कल की शाम प्रार्थना करेंगे. आणि आपण उद्या संध्याकाळी परमेश्वराची प्रार्थना करू. वन मोर कंडिशन वाज गिवन. और एक और शर्त वहां पर रखा गया. आणि एक नियम त्या ठिकाणी लागू करण्यात आले. ओनली सच ऑफ दोस हु बिलीव दैट आवर गॉड इज अ लिविंग गॉड एंड ही इज एबल टू आंसर अ प्रेयर ओनली सच पीपल नीड टू कम. और इस प्रकार घोषणा किया कि जो लोग इस बात को विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है वो निश्चय हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा ऐसे ही लोग केवल इस प्रार्थना सभा में आकर के शामिल होना. आणि अशा प्रकारची घोषणा करण्यात आली जितके लोक विश्वास करीता आपला परमेश्वर जिवंत आहे केवळ असे लोकच या प्रार्थनेत सहभागी व्हावे. वन मोर अम्युझिंग थिंग हॅपन्ड देयर. और वहां पर एक आश्चर्यजनक बात हुआ. आणि त्या ठिकाणी एक आश्चर्यचकित गोष्ट घडली. ख्रिश्चन्स हु केम देयर ब्रॉट देयर अम्ब्रेलास ऑल्सो. जितने भी मसीह वहां पर उस प्रार्थना सभा में आए थे साथ में यहाँ पर छत्री लेकर के आए. आणि जितके लोक त्या प्रार्थना सभेमध्ये आले होते सर्व विश्वासनाने छत्री सोबत घेऊन आले. रेव्हरंड टिटकोंबे वॉज शेकन ए बिट. और उसकी इन सारे विश्वासियों के हाथ में छाता को देख करके ये जो पादरी टिटकोंबे थे घबरा गया वो हिल गया. आणि त्या सर्व विश्वासनाऱ्यांचे विश्वास पाहून टिटकोंबे जे पालक होते ते घाबरून गेले. एंड पीपल टोल्ड हिम. और लोगों ने उनसे कहा. आणि लोक त्यांना म्हणू लागले. डिड यू नॉट टेल अस ओनली दोस हु बिलीव नीड टू कम हियर. क्या आपने ऐसा घोषणा नहीं किया था कि केवल विश्वास करने वाले यहाँ पर आना है. आणि काय तुम्ही ही घोषणा केली होती कि विश्वास करणारे केवळ या प्रार्थने समेत यावे. Then as soon as they started praying. और जैसे उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया. आणि जसे ते प्रार्थना करू लागले. Even Elijah he took some time for to bring down rain. एलिया को भी प्रार्थना करके बारिश लाने के लिए कुछ समय लगा. आणि एलियाला देखील प्रार्थना करून पाऊस आणण्यासाठी
काही वेळ लागले. ही ब्रॉट डाउन फायर इजिली. उसने आग को तो बहुत ही आसानी से उतार डाला. आणि तो अग्नि खूप सहज रित्या तो उतरू शकला. As far as so when he had to bring down rain, he had to wait for some time. लेकिन बरसात को लाने के लिए एलिया को कुछ समय बाट जोना पड़ा. परंतु पाऊस आणण्यासाठी एलियाला थोड़े वेळचे वाट पाहावे लागले. It was a small prayer that they prayed. उन लोगों ने एक छोटी सी प्रार्थना किया. आणि ते लोग जे आहे एक लहान सी प्रार्थना केले. Lord send us rain. हे प्रभु हमारे लिए वर्षा दे. हे परमेश्वर आमच्यासाठी भी पाऊस पाठव. Immediately it started raining. तुरंत बरसात होने लगा. आणि लागले पाऊस येऊ लागले. They could hear the noise of water drops on the corrugated roof. उनके जो टिन का जो शेड था उसके ऊपर बरसात की पानी के बूंदों के टपकने की आवाज सुनाई देने लगा. आणि त्यांचे जे मंडप होते त्याच्यावर पावसाचे बूंद पडण्याचा आवाज ते ऐकू लागले. So also, do you believe that God is able to send a revival today? वैसे ही क्या आप भी इस बात को विश्वास करते हो कि आज परमेश्वर हमारे लिए आशीष की बरसा देगा? आणि काय तुम्ही आप करे विश्वास करीता होय माझा परमेश्वर आज मला मंगलमय आशीर्वादाचा पाऊस तुम्हासाठी पाठवेल. Do you believe that God of Africa is God of Nagpur also? क्या आप इस बात को विश्वास करते कि अफ्रीका में वो काम के वो परमेश्वर नागपूर का भी ईश्वर है? आणि अफ्रीका मध्ये कार्य केलेला तो परमेश्वर नागपूर मध्ये देखील तो कार्य करू शकतो. आशीष की बरसात होना है. आणि आशीर्वादाचे पाऊस होत आहे. यू मस्ट नॉट पेसिमिस्टिक. द वर्ड ऑफ गॉड सेज it will definitely happen. और ये जो है परमेश्वर का वचन कहते हैं निश्चय ये होगा. आणि परमेश्वराचे वचन म्हणते खात्रीशीर ही गोष्ट होईल. If the Lord says it will be so. अगर परमेश्वर ने कह दिया तो ऐसे ही होगा. आणि जर परमेश्वर हे म्हणत आहे तर नक्की खात्रीशीर होणार. How many of you believe that? कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? किती लोग तुम्ही विश्वास करीता? Only such people shout hallelujah. केवल ऐसे ही लोग एक जोरदार हालेलुया बोलिए. ऐसे लोग जोरदार हालेलुया मना. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. देवाचन आवाज सुनने वाले सो. It was those raw new souls who taught a good lesson to Reverend Titkombe. उस समय में वो जो नए विश्वासी थे उस पादरी टिटको को एक अच्छा पाठ सिखाया. आणि त्या ठिकाणी आलेले नवीन विश्वासी देखील त्या टिटकोंबेने त्यांना एक नवीन गोष्ट शिकविली. At times even preachers have to learn some lessons from the crowd. उसी प्रकार कई बार प्रचारकों को भी भीड़ से कई बात सीखने को मिलता है. आणि काही वेळेस उपदेशकांना प्रेषितांना या समुदायापासून काही गोष्ट शिकावयास मिळते. Our God is not only God of the past, he is God of the present, God of future too. हमारा परमेश्वर केवल भूतकाल का ईश्वर नहीं वर्तमान काल और भविष्य काल का भी ईश्वर है. आपला परमेश्वर केवल भूतकाळचा परमेश्वर नव्हे तो वर्तमान काल आणि भविष्य काळाचा परमेश्वर आहे. Rain was necessary during those days. We need the spiritual rain. जिस प्रकार उन दिनों में बरसात की आवश्यकता था वैसे ही इन दिनों में हमें भी एक आत्मिक वर्षा चाहिए. आणि त्या दिवसामध्ये पावसाची ज्या प्रकारे आवश्यकता होती आज आपल्याला एक आत्मिक पावसाची आवश्यकता आहे. If thou wouldst believe, thou wouldst see the glory of God. अगर तू विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा देखेगा. जर तू विश्वास करशील तू परमेश्वराचे गौरव पाहशील. Today I would like to mention five blessings of this five blessings. और आज मैं इस बरसात के पांच आशीषों को आपके मध्य में रखने के लिए चाहता हूं. आणि या पावसाचे पांच आशीर्वाद मी तुमच्या समोर ठेवू इच्छितो. Or else five blessings of this shower. और ये पांच आशीषे जो इस बरसात से या इस वर्षा से हमें मिलता है. आणि हे पांच प्रकारचे आशीर्वाद या पावसाच्या द्वारे आपल्याला लाभते. First we return to the book of Psalms 65 verses 9 and 10. 65 भजन के 9 और 10 वचन में जब सबसे पहले हम देखते हैं. 65 स्तोत्र संहिता याचे 9वे आणि 10वे वचनामध्ये जेव्हा आपण वाचतो तू भूमि की स्तुति लेकर उसको सींचता है तू उसको बहुत फलदायक करता है परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है तू भूमि को मेज से नरम करता है और उसके उपज पर आशीष देता है. And water is it, thou greatly enriches it with the river of God, which is full of water, thou preparest them corn,
when thou hast so provided for it, thou waterest the riches thereof abundantly, and settlest the furrows thereof. Thou makest it soft with showers, thou blessest the springings thereof. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाचन आवाज धन्यवाद हो. Thou makest the ground soft. और वो बरसात के द्वारा पृथ्वी को या मट्टी को नरम कर देता है. आणि पाऊस पावसाची सरी पाडून परमेश्वर भूमीला मऊ करीतो. व्हाट इज दिस रेन एक्चुअली? ये बरसात क्या है वास्तविक रीति में? आणि शारीरिक रीत्या हे पाऊस काय आहे? इन वन वे दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द फॉर्मर रेन. और ये इसको हम लोग एक पहली बरसात के साथ तुलना करके देख सकते हैं. आणि हे पावसाला आपण पहिल्या वर्षाप्रमाणे आपण त्याची तुलना करून पाहू शकतो. इन द लँड ऑफ केनन इट दिस फॉर्मर रेन इज समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर के महीने में कनान देश में ये बरसात हुआ करता है. आणि अक्टूबर महिन्याच्या महिन्यामध्ये कनान देशामध्ये हे पहिले पाऊस पडते. आफ्टर दिस रेन इस बरसात के बाद आणि या पावसानंतर दे प्रिपेयर द ग्राउंड वे लोग भूमि को तयार करते आणि ते जे शेत जमीन ते तयार करतात. दाउ सेटलेस द रिजेस और तू जो है उस भूमि को स्थिर करता है. आणि तू त्या भूमीला तू सपाट करीतोस. सो द वीड्स आर पुल्ड आउट और जितने भी जो जंगली पौधे हैं वो निकाल दिया जाता है. आणि सर्व जे रानटी जे वृक्ष आहे ते काढून टाकतात. स्टोन्स आर रिमूव्ड और सारे पत्थरों को उस मैदान से जमीन से निकाल देते हैं. आणि त्यातील सर्व धोंडे ते काढून टाकतात. सो देन इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द सोइंग और उसके बाद उसमें उसको बोने की तैयारी करते हैं. आणि त्यामध्ये झाडे लावण्यासाठी ते तयार करीतात. ही सॉफ्टन्स द ग्राउंड इट ही मेक्स द ग्राउंड सॉफ्ट इट इज मेंशन. और भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो भूमि की मट्टी को नरम कर देता है. आणि या ठिकाणी या प्रकारे लिहिलेलं आहे पावसाच्या सरीने तो पृथ्वी जी आहे मऊ करीतोस. डियर चाइल्ड ऑफ गॉड शैल वी कंपेयर दिस टू योर हार्ट एंड माई हार्ट. परमेश्वर के प्रिय लोगों इस विषय को आपके और मेरे हृदय के साथ आओ हम तुलना करें. या अपन अपने हृदयाला या सोबत अपन याची तुलना करूया. हाउ इज द कंडीशन ऑफ योर हार्ट टुनाइट? आज की रात आपके हृदय की अवस्था कैसा है? आज संध्याकाळच्या वेळेमध्ये तुमच्या हृदयाची स्थिती कशी आहे? इज इट सॉफ्ट? इज इट ब्रोकन? क्या ये नरम है? क्या ये टूटा हुआ है? काहे मऊ आहे? काहे तुटलेले आहे? मॅन्स हार्ट इज हार्डन बिकॉज ऑफ द डिसीटफुल ऑफ सिन. इट इज मेंशन इन द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 3. इब्रानी की किताब के तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है मनुष्य का हृदय उनके पाप के धोखे के कारण पत्थर के समान कठोर हो गया है. आणि इब्रानी लुकास पत्र तीसरे अध्याय मध्ये लिहिलं आहे मनुष्याच्या पापामुळे मनुष्याचे मन कठीण झालेले आहे. मॅन इज बॉर्न इन सिन. मनुष्य पाप में ही जन्म लिया. आणि मनुष्याचे जन्म पापामध्ये झाले. ही ग्रोस इन सिन. वो पाप में ही बढ़ता जाता है. आणि तो पापामध्ये त्याची वाढ होते. गेट्स एस्टॅब्लिश्ड इन सिन. और वो पाप में ही स्थिर होता है. आणि तो पापामध्ये स्थिर होतो. व्हेन ही वाज क्रिएटेड विथ अ सॉफ्ट हार्ट. जब उस जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया एक नरम मुलायम हृदय के साथ परमेश्वर ने उसे बनाया. आणि जेव्हा मनुष्याला परमेश्वर ने निर्माण केले त्यावेळेस बहु हृदयाने परमेश्वर ने त्याला निर्माण केले. आफ्टर ही despise the commandment of the Lord, disobey the commandment of the Lord. लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उसको तुच्छ माना. आणि जेव्हा मनुष्याने आज्ञा भंग केली परमेश्वराच्या आज्ञेचा धिक्कार केला. His heart was hardened. उसके बाद उसका हृदय कठोर हो गया. आणि त्यावेळेस त्याचे मन जे आहे कठीण झाले. He did not admit his sin. उसने अपने गलती माना नहीं. आणि तो त्याचे पाप कबूल केला नाही. Oh Adam, why did you do that? हे आदम तूने क्यों किया? आणि हे आदमा तू काय केलेस? I did not commit a mistake. It was the woman whom you have killed. मैंने नहीं किया. तूने जो स्त्री मेरे को बना करके लिया उसके द्वारा ये हुआ. आणि मी हे केले नाही. तू ज्या स्त्रीला मला दिले आहेस त्याने मला भूरळ घातले. ओ ई व्हाई डिड यू डू दिस? हे हव्वा तूने ये क्यों किया? आणि हे हव्वा तू हे काय केले? She did not accept her fault. उसने अपनी गलती माना नहीं. आणि ती त्याची चूक जी आहे कबूल केली नाही. Put the blame on the serpent. We all know the story. उसने सांप के ऊपर सारा दोष लगा दिए. सारी कहानी हम जानते हैं. आणि सर्व दोष आरोप ती सर्पावर टाकले हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. Ever since their hearts are hardened. और उसी समय से लेकर के उनका हृदय कठोर हो गया. आणि त्या वेळेपासून त्यांचे हृदय पाषाण झाले कठीण झाले. Wherever people broke down, wherever they fell at the feet of God. जहां कई मनुष्य टूट गए शुक परमेश्वर के चरणों में गिर पड़े. जेव्हा देवाच्या चरणामध्ये खाली पडले. There was a king called Josiah. जोसाया नाम का एक राजा को हम देखते हैं. आणि जोसे नावाचा एक राजा आपण पाहतो. Sin was rife. Sin was rampant everywhere. Sin. उसके राज्य में हर एक जगह में पाप भरते दिखाई दिया. आणि त्याच्या राज्यामध्ये सर्व ठिकाणी पाप वाढत होते.
The Lord had pronounced judgment to destroy them also. Judah, kingdom of Judah also. उस समय में परमेश्वर यहूदा के राज्य को भी संपूर्ण रीति से विनाश करने का न्याय निकाल दिया. आणि यहूदा वंशाचे देखील त्यावेळेमध्ये परमेश्वर समूळ नाश करण्याचा विचार केला. But he broke down before God. लेकिन जब वो परमेश्वर के समक्ष में टूट पड़ा. परंतु ज्यावेळेस ते देवाच्या चरणी तुटून पडले. Because your heart was soft. क्योंकि उसका हृदय जो कोमल हो गया. बिकॉज योर हार्ट वॉज सॉफ्ट. परमेश्वर ने कहा कि चूंकि तेरा हृदय तूने तोड़ दिया, नरम किया. आणि त्यावेळेस परमेश्वर म्हणाला कारण तू तुझे हृदय तोडले आहे, तुझे हृदय तू मऊ केलेले आहेस. वी वुड लाइक टू गिव टू एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड. वी मेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ द लिविंग गॉड. ओ परमेश्वर जो जीवित है परमेश्वर, उसके दो पहलुओं को मैं आपके सामने बताऊंगा. आणि त्या गोष्टीचे दोन रहस्य मी तुम्हाला समोर ठेवू इच्छितो. अ गॉड इज नॉट ओनली अ गॉड हू ब्लेसेस. Our God is not only a God of mercy, he is God of judgment also. Hamara Parmeshwar aashish karne wala, daya dikhane wala matra keval nahi, usi samay mein hamara Parmeshwar nyay karne wala, dand dene wala Ishwar bhi hai. Apna Parmeshwar keval aashirwad denara dayalu Parmeshwar nahi, to nyayi Parmeshwar hai, to shiksha denara Parmeshwar dekhil hai. When we read in the book of Job chapter 23 verse 16. अय्यूब की किताब उसके 23 अध्याय के 16 वचन को पढ़ने के समय में. योबाचे पुस्तक 23 अध्याय के 16वें वचन जेव्हा आपण वाचतो. व्हाट इज जॉब से अबाउट हिमसेल्फ. और वो अपने विषय में अय्यूब क्या कह रहा है. त्या वेळेमध्ये अय्यूब त्याविषयी काय म्हणत आहे. ही मेक्स माय हार्ट सॉफ्ट. और वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरे मन को कच्चा कर दिया. आणि ते तो म्हणत आहे माझे मन तो मऊ केलेले आहे. वाज इट नॉट सॉफ्ट. क्या वो कच्चा नहीं था. काय त्याचे मन उदास झाले नाही. chapter 1 chapter 2 God gives a beautiful testimony about him. अय्यूब के किताब के पहले दो अध्याय में परमेश्वर स्वयं अय्यूब के बारे में 100 बहुत ही सुंदर गवाही दे रहा है. योबाचे पुस्तक पहले दोन अध्याय मध्ये आपण पाहतो योबा विषयी परमेश्वर चांगली साक्ष देत आहे. Now he says God makes my heart soft. लेकिन अब देखो अय्यूब ये स्वीकार कर रहा है कि परमेश्वर ने मेरे मन को कच्चा कर दिया है. आणि आता अय्यूब जे आहे या प्रकारे म्हणत आहे परमेश्वर ने मन उदास केले आहे. यू वुड हैव हर्ड द मेसेज ऑफ पास्टर टी थॉमस. पास्टर टी थॉमस के संदेश को सुना होगा. पास्टर टी थॉमस यांचे उपदेश तुम्ही ऐकले असणार. हिज हार्ट वाज सॉफ्ट बट नॉट सॉफ्ट इनफ. उसका हृदय कोमल तो था, कच्चा तो था, लेकिन उतना नहीं था जितना जरूरी है. आणि त्यांचे हृदय जे आहे मऊ तरी होते, उदास तरी होते, परंतु जितके हवे तेवढे नव्हते. डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, हाउ इज द कंडिशन ऑफ युअर हार्ट. प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपका हृदय की अवस्था कैसा है. प्रिय भाऊ, प्रिय बहिणी, तुमच्या हृदयाची अवस्था आज काय आहे. ही सेंडिंग द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग दैट युअर हार्ट हार्डन हार्ट मे मेल्ट. परमेश्वर आशीष की बरसात आपको दे रहा है ताकि आपका जो हृदय जो है वो पिघल जाए, कोमल हो जाए. परमेश्वर आशीर्वादाची वर्षा पाऊस यासाठी पाठवत आहे यामुळे तुमचे हृदय जे आहे पिघळून गळून जावे. फॉर दैट इट इज इम्पेरेटिव दैट यू कन्फेस ऑल योर सिन, डोंट हाइड एनीथिंग बिफोर गॉड. इसके लिए आपको चाहिए कि आपके जीवन में कोई भी पाप को ना छुपाए, सब कुछ आप परमेश्वर के सामने स्वीकार कर डाले. यासाठी तुम्हाला हे करावे लागेल, तुमच्या जीवनातील कोणतेही पाप न लपिता परमेश्वरासमोर ते स्वीकार. God sends the rain, but it is the duty of the farmer to prepare the ground. परमेश्वर तो बरसात देता है, लेकिन एक किसान का कर्तव्य है कि वो भूमि को तैयार करे. आणि परमेश्वर तर पाऊस पाठवतो दो, परंतु शेतकऱ्याचे हे कर्तव्य आहे त्या सपाट त्या भूमीला सपाट करावे. God doesn't do that, you should do that. भूमि की तैयारी करने वाला काम परमेश्वर नहीं करेगा, वो आपको करना है. मैदान सपाट करण्याचे काम परमेश्वर करणार नाही, ते तुम्हास करावे लागेल. So breaking your heart, you will have to do it. You examine yourself and fall at his feet. आप अपने हृदय को परीक्षा करते हुए, अपने दिल को तोड़ते हुए, आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के कदमों में गिर पड़ो. आणि तुम्हाला तुमचे हृदय भग्न अनुतप्त करावे लागेल, परमेश्वराच्या चरणी तुम्हास पडावे लागेल. What do we read in the book of Hosea chapter 10 verse 12? होशे की किताब 10वें अध्याय के 12वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं. होशे की पुस्तक 10 अध्याय के 12वें वचन में अपन काय वास्तो. ब्रेक अप द फैलो ग्राउंड. और तू उस भूमि को तू हल चला. आणि त्या भूमीवरती तू तुझे रांगण तू चालव. रीड दैट वर्स. अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे. अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए. सो टू योरसेल्फ्स इन राइटियसनेस, रीप इन मर्सी, ब्रेक अप योर फैलो ग्राउंड, फॉर इट इज टाइम टू सीक द लॉर्ड.
till he come and rain righteousness upon you. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. विवचन आवाज धन्यवाद हो. Break up the fallow ground. तू अपनी पड़ती जमीन को हल जोतो. आणि जाय तुमची पडीत जमीन तुम्ही नांगरून काढा. We are in the last days, you misunderstand. हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग अंतिम दिनों में आ पहुंचे हैं. आणि आपण हे समजून घेतले पाहिजे आपण शेवटच्या दिवसात आलो आहोत. The day of Christ and the day of damnation both are coming are fast approaching. बहुत ही शीघ्र मसीह का दिन दंड का दिन शीघ्र आने जा रहा है. आणि खूप लवकर येशूचे दिवस आणि शिक्षेचे दिवस लवकर येत आहे. Is there anyone here who is still living in your sin? क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी है जो अब भी पाप में जीवन जी रहा है? या ठिकाणी ऐसा कोणी आहे जो आज पर्यंत पापा मध्ये जीवन जगत आहे? Is there anyone here who is still living in the backslidden state? क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी है जो अब भी पीछे हटी हुई अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा है? क्या या ठिकाणी कोणी असा आहे जो आज ही मागे पडलेल्या परिस्थिती मध्ये आहे? Is there anyone living in secret sins? क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जो गुप्त पाप में जीवन बिता रहा है? या ठिकाणी ऐसा कोणी आहे जो गुप्त मध्ये आपले जीवन व्यतीत करत आहे? द सिन यू विच यू आर कमिटिंग हार्डन्स योर हार्ट. और जो पाप आप करते हो वही पाप आपके हृदय को कठोर बना देता है. आणि जे पाप तुम्ही करता ते इस पाप तुमचे हृदय कठीण करते. You should turn unto the Lord. He's a compassionate God. आप परमेश्वर की ओर लौटाना चाहिए. देखो हमारा परमेश्वर एक दयालु ईश्वर है. तुम्ही परमेश्वराकडे परत आले पाहिजे. आपला परमेश्वर दयालु परमेश्वर आहे. Come to him, fall at his feet as you are. जैसे आप हो वैसे ही आप उसके चरणों में गिर पड़ो. ज्या स्थितीत तुम्ही आहात त्या स्थितीने देवाच्या चरणी पडा. Today God is breaking many hearts tonight. आज की रात परमेश्वर अनेकों के दिलों को तोड़ेगा. आज रात्री परमेश्वर पुष्कळांचे हृदय फोडून. As we read in the book of Jeremiah, his word is breaking you. His word is compared to fire. His word is compared to hammer. और जैसे परमेश्वर के वचन जरेमिया में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन एक अग्नि के समान, परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान जो आपके हृदय को तोड़ डालेगा. आणि ज्या प्रकारे लिहिलेला है परमेश्वराचे वचन एक अग्नि समान, परमेश्वराचे वचन एक हथौड़ी समान तुमचे हृदय छेदते. Fall at his feet as you are. जैसे आप हो आप वैसे ही परमेश्वर के चरणों में गिर पड़ो. आणि तुम्ही ज्या स्थिति मध्ये आहात त्या स्थितीने तुम्ही देवाच्या चरणी पडा. What is a sacrifice that you should be offering to the Lord today? आज कौन सा आपको परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ाना है? आज कौन से यज्ञ अर्पण तुम्हारा देवाच्या सम्मुखात कराए चाहे? God doesn't want your money. आपका पैसा परमेश्वर नहीं चाहता. तुमच्या पैशाची अपेक्षा परमेश्वर करीत नाही. God is not bothered about your offering. और तेरे किसी भेंट को परमेश्वर आग्रह नहीं करता. आणि तुमची कोणती भेंट परमेश्वर इच्छित नाही. No need for you to offer incense or light candles. और आपको किसी प्रकार से किसी अगरबत्ती को या कोई मोमबत्ती को जलाने की भी जरूरत नहीं है. आणि कोणती मेणबत्ती देखील परमेश्वर समोर जाण्याची आवश्यकता नाही. When we read the book of Psalms, और जब हम भजन में पढ़ते हैं, जब आपण स्तोत्र संहिता मध्ये वाचतो, the sacrifice of God is a broken heart. और परमेश्वर के सम्मुख में हमारा टूटा हुआ हृदय एक उत्तम बलि है. आणि देवाच्या सम्मुखामध्ये अनुतप्त हृदय परमेश्वर समोर एक यज्ञ आहे. A broken and a contrite heart, O Lord, thou wilt not despise. टूटा हुआ पिसेले हृदय को हे परमेश्वर तू तुच्छ नहीं जानता. हे परमेश्वर भग्न अनुतप्त हृदय आज तू तुच्छ लेकर ताहिस. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाचन आवाज धन्यवाद हो. Secondly, when we turn to the book of Deuteronomy chapter 32 verse 2. व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के दूसरे वचन को जो हम देखते हैं. जब शास्त्र अनुवादक पुस्तक 32 अध्याय के 20वें वचन जो अपन वास्तव मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी जैसे कि हरी घास पर झिसी और पौधों पर झड़ियां. My doctrine shall drop as a rain, my speech shall distill as the dew, as a small rain upon the tender herb and as a shower upon the grass. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाचन आवाज धन्यवाद हो. Here it is mentioned about the doctrine and the word of God. यहाँ पर बरसात को उपदेश और वचन के साथ तुलना किया गया है. या ठिकाणी पाऊस जो आहे परमेश्वराचे उपदेश आणि नियमासोबत त्याची तुलना करण्यात आलेली आहे. God is graciously giving us his word. परमेश्वर अनुग्रह के साथ हमें अपना वचन दे रहा है. आणि परमेश्वर कृपेने त्याचे वचन तो आपल्याला देत आहे. The Bible that you are having, it is very precious, you must understand. आप इस बात को समझ लेना चाहिए कि दो धर्म शास्त्र आपके हाथ
हाथ में है ये बहुत ही बहुमूल्य है। आणि तुम्ही हे समजून घेतले पाहिजे तुमच्या हातात जे पवित्र शास्त्र आहे ते खूप मौल्यवान आहे। डोंट डिस्पाइज योर बाइबल रीडिंग। आप बाइबल को पढ़ने के विषय में उससे तुच्छ ना जानो। आणि बाइबल वाचण्याविषयी तुम्ही जे आहे तुच्छ लेखू नका। As a saint mentioned once, एक बार एक संत ने इस प्रकार कहा। एकदा एक उपदेशक या प्रकारे बोलला। When we pray, we speak to God. जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर से बातें करते हैं। जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा आपण परमेश्वर सोबत बोलतो। When we read the Bible, that God speaks to us. और जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं उस समय में परमेश्वर हमसे बातें करता है। जेव्हा आपण पवित्र शास्त्र वाचतो तेव्हा परमेश्वर आपल्या सोबत बोलतो। Many of us don't know the importance of the word of God. कई लोग परमेश्वर के वचन की महत्वता को नहीं समझते। कई लोग देवाच्या वचनाचे जे मौल्यता है ते जानत नाहीत। They read the word of God at random. उन लोग ऐसे इधर उधर से कहीं से भी वचन को पढ़ते हैं। आणि ते इथून तिथून कुठले तरी वचन ते वाचतात। So every word is by the inspiration of the Holy Spirit. हर एक वचन जो शास्त्र में वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित है। आणि ते वचन शास्त्र मध्ये लिहिलेले प्रत्येक वचन देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे प्रेरित केलेले आहेत। Another child of God mentions like this. और एक परमेश्वर के भक्त ने इस प्रकार उल्लेख किया। आणि एका देवाच्या भक्ताने या प्रकारे तो उल्लेख केला। When you carry the Bible in your hand, जब आप धर्मशास्त्र को अपने हाथ में उठाते हो, जब अपन पवित्र शास्त्र अपने हाथों में उचलते हो, Satan has a headache it seems. उस समय में शैतान का सर दर्द शुरू हो जाता है। जब शैतानाचे मस्तक दुखे दुखू लगते हैं। When you open the Bible, और जब आप धर्मशास्त्र को खोलते हो, जब तुम्हें पवित्र शास्त्र उघरता, he collapses. उस समय में वो बेहोश हो जाता है। जब तो बेशुद्ध होते हो। When you start reading the word of God, और जब शास्त्र को पढ़ना शुरू करते हो, जब अपन पवित्र शास्त्र वाचू लगते हो, he faints. और वो संपूर्ण रीति से वो बेहोश हो जाता है। आणि तो पूर्णपणे बेशुद्ध होतो। सो कंटिन्यू टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड अँड ही विल फेंट अँड ही विल कीप फेंटिंग अँड वन डे ही विल हैव अ पैरालिटिक अटैक। और इसी के लिए आप लगातार धर्मशास्त्र को पढ़ते रहो ताकि शैतान आपको देख करके बेहोश हो जाए और बेहोशी की अवस्था में रहते ही उसको लखो मार जाए। आणि जाहे तुम्ही सतत जाहे पवित्र शास्त्र वाचत रहा ज्याच्या जेणेकरून शैतान बेशुद्ध अवस्थेमध्ये तो लखवेने पीडित होऊन जाऊ। डोंट थिंक दैट आई एम जोकिंग। एक मजाक कर रहा हूं करके ना सोचो। आणि मी मजाक फट्टा करीत आहे असे तुम्ही समजू नका। Devil trembles at the word of God, you must understand. जब आप इस बात को समझ लेना चाहिए भरे शास्त्र को देख करके शैतान थरथराता है। आणि तुम्ही गोष्ट समझ ले पाहिजे पवित्र शास्त्र पाहून शैतान थरथरतो। When I was serving the Lord in Dubai. दुबई में जब मैं सेवा कर रहा था। आणि दुबई मध्ये मी सेवा करीत असता। We all brothers had gone out. Visiting. और हम सारे भाई लोग संघर्षण के लिए बाहर गए। आणि आम्ही सर्व बंधु जे आहे संघर्षासाठी बाहर गेलो। Only two sisters were there. केवल विश्वास भवन में दो बहने थी। आणि प्रार्थना भवनामध्ये फक्त दोन सिस्टर होते। One of them is our center mother in present center mother in कडलूर। और वर्तमान कडलूर में जो वर्तमान की जो सेंटर मदर है वो उस समय में वहां पर थी। आणि आता वर्तमान मध्ये जे कडलूर मध्ये सेंटर मदर आहेत त्या वेळेमध्ये ते त्या ठिकाणी होत्या। They brought a possessed lady there. उस समय में विश्वास भवन में एक भूतग्रस्त महिला को कोई लेकर किया है। आणि त्या वेळेमध्ये एक भूतग्रस्त महिलेला त्या विश्वास भवनामध्ये घेऊन आणण्यात आले। ब्रदर्स हैड गॉन आउट। सारे भाई लोग संघर्षण के लिए बाहर गए हुए विश्वास भवन में कोई भाई लोग नहीं। आणि सर्व बंधु जे आहे संघर्षासाठी बाहेर गेले होते त्या विश्वास भवनामध्ये कोणी बंधु नव्हते। Then the elder sister asked the younger sister. और उस समय में बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा। आणि त्या वेळेमध्ये मोठ्या बहिणीने लहान बहिणीला विचारले। Go and get the Bible. और जाओ और जाकर के वो बाइबल लेकर के आओ। आणि जा आणि जाऊन पवित्र शास्त्र घेऊन ये। As soon as the sister went there, जैसे ये छोटी बहन बाइबल को लेने को अंदर गई, जैसे ही लहान बहिण पवित्र शास्त्र आणण्यासाठी आत गेली, this possessed lady went after her. ये जो भूतग्रस्त महिला है वो भी उसके पीछे दौड़ी। आणि भूतग्रस्त महिला देखील त्याच्या मागे धावू लागली। Don't take that Bible. Don't touch that Bible. बाइबल को छूना नहीं, बाइबल को लाला नहीं। आणि बाइबल स्पर्श करू नका, बाइबल घेऊन येऊ नका। Satan very well knows that this is the word of God. This is life of truth. शैतान भली भांति इस बात को जानता है कि ये परमेश्वर का वचन है, यही सत्य वचन है। आणि शैतानाला हे ठाऊक आहे, हे
वचन है, हे सत्य वचन है। God has graciously given us the word of God. परमेश्वर बड़े अनुग्रह से अपना वचन हमें दिया है। परमेश्वर मोठ्या कृपेने परमेश्वराचे वचन आपल्याला दिलेले आहे। Do you know the copy of the Bible is in heaven? आप इस बात को क्या जानते हो कि शास्त्र का एक कॉपी स्वर्ग में भी है? काय तुम्हास ठाऊक आहे, एक कॉपी स्वर्गाच्या राज्यात या पवित्र शास्त्राची आहे। When we turn to the book of Psalms 119 verse 89. हम लोग जब 119 भजन के 89 वचन को जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं, 119 सूत्र संहिता त्याचे 89 वचन जेव्हा आपण वाचतो, व्हाट डज द साइमन से, वहां पर भजन वाला क्या कहता है? त्या ठिकाणी सूत्र लिहिणारा काय म्हणतो? माय लॉर्ड, लॉर्ड इज सेटल्ड इन हेवन। हे परमेश्वर, तेरा वचन आकाश में स्थिर किया गया है। हे परमेश्वर, तुझे वचन स्वर्गात सर्वकाल स्थिर आहे। फॉर अबाउट 2 इयर्स एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। 2 साल के लिए सब कुछ बंद था। आणि 2 वर्ष सर्व काही बंद होते। गॉड ग्रेशियसली giving us his word. परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा अब हमें अपना वचन दे रहा है। परमेश्वर त्याच्या कृपेचे द्वारे त्याचे वचन तो आता देत आहे। He is giving us the shower which is the word of God. परमेश्वर तो वचन रूपी बरसात हमारे ऊपर ढाल रहा है। परमेश्वराचे वचन रूपी पाऊस परमेश्वर आपल्यावर पाठवत आहे। In the Old Testament manna was showered upon them. पुरातन नियम में मन्ना उनके ऊपर उतर के आया। जुन्या करारामध्ये पाहतो मन्ना त्यांच्यावर पडत होते। They didn't have anything else to eat. उनके पास खाने को और कुछ नहीं था। आणि त्यांना खाण्यासाठी त्यांच्या जवळ आणखी काही नव्हते। That is why it is mentioned, man shall not live by bread alone. इसी के लिए परमेश्वर का शास्त्र कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही केवल नहीं जिएगा। आणि यामुळे शास्त्र म्हणते मनुष्य केवल भाकरीने जगणार नाही। But by every word which is spoken by his mouth. किंतु हर एक वचन जो परमेश्वर ने कहा है उसके द्वारा जीवित रहेगा। परंतु त्या प्रत्येक वचनाने जे परमेश्वराचा मुखातून निघाला आहे त्याच्या द्वारे तू जिवंत राहील। In Psalm 78 verse 24. What do we read? 78 भजन के 78:24 उसके 24 वचन, 78 भजन के 24 वचन में क्या पढ़ते हैं? 78 सूत्र संहिता ये 24वें वचन है तो अपन काय वास्तव God rained मन्ना upon them it is mentioned। ओ परमेश्वर ने उनके ऊपर मन्ना की बरसात किया करके लिखा हुआ है। आणि खाने करीता त्याने त्यांच्यावर मन्नाचा वर्षाव केला असे आपण पाहतो। In Isaiah chapter 40 verse 6 what do we read? और यशया 40 के 6 में हम क्या देखते हैं? यशया 40 के 6 मध्ये आपण काय वाचतो? In Deuteronomy 32 verse 2 we saw that he showers his rain doctrine upon the grass। और हम लोग व्यवस्था विवरण 32 वाले के दूसरे वचन में वो घास के ऊपर वो अपने मेघ को बरसाता है, वर्षा देता है। अनुवाद जी पुस्तक 32 अध्याय के दूसरे वचन में अपन पाहतो परमेश्वर त्याची वर्षा एका हिमा सारखे तो करीत हो। डोंट थिंक दैट दिस ग्रास is a little grass that we see. आप इस घास के ऊपर जो परमेश्वर मेघ बरसाता है ये घास जो अक्षरी घास जमीन में लगा हुआ है वो है करके मत सोचिए। आणि तुम्ही हे समजू नका परमेश्वर जे वर्षा पाठवितो त्या गवतावरती तो पाठवितो। We are comparing spiritual things with earthly things. और उस समय में ये सारी सांसारिक बातों को आत्मिक बातों के साथ तुलनात्मक रीति में बताया गया नहीं तो दर्शाया गया। आणि त्या वेळेमध्ये शारीरिक रीत्या गोष्टी नव्हे तर आत्मिक रीत्या रुत्या या गोष्टीची तुलना करण्यात आलेली आहे। What is mentioned in Isaiah chapter 40 verse 6? और यशय किताब 40 अध्याय के 6 वचन में क्या लिखा है? यशय के पुस्तक 40 अध्याय के 6 वचन में काय लिखले आहे? बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर, मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं, सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। The voice said cry and he said what shall I cry, all flesh is grass and all the godliness thereof is as a flower of the field. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाचन आवाज धन्यवाद असो। What do you think about yourself? आपके बारे में क्या सोचते हो? तुमच्या विषयी तुम्ही काय विचार करीता? I am a beautiful lady. मैं एक बहुत ही सुंदर महिला हूँ। मैं एक सुंदर स्त्री आहे। I am a handsome man. मैं बहुत ही एक हैंडसम व्यक्ति हूँ। आणि मी सुंदर पुरुष आहे। I am very intelligent. मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ। मी खूप ज्ञानी आहे। Others are low class and I belong to the high class family. बाकी सारे लोग नीच जाति के, मैं तो ऊंच जाति का हूँ। आणि सर्वे दरिद्री आहे परंतु मी श्रीमंत आहे। Look at the possessions that I have. जो मेरे पास संपत्ति उसको देखो। आणि माझ्याकडे जे धन संपत्ति आहे त्याला पहा। Look at the position I am in. और जिस
पदवी में हो उस पदवी को देखो, ज्या पदवी मध्ये मी आहे त्याकडे तुम्ही पहा. लुक एट माय क्वालिफिकेशन, मेरे शिक्षा को देखो, माझे शिक्षणाकडे तुम्ही पहा. लुक एट माय प्लेस इन द सोशल स्टँडिंग, मेरे सामाजिक स्तर में जो पदवी है, जो स्थान है, उस स्थान को देखो. आणि समाजामध्ये मध्ये माझी जी पदवी आहे त्याच्याकडे तुम्ही पहा. बट व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड से, लेकिन वचन क्या कहता है, परंतु वचन काय म्हणते, ऑल फ्लेश इज ग्रास, सारे प्राणी घास है, सर्व मानवी मानव जाती एक गवत आहे. टुडे इट इज सीन, टुमारो इट विल बी, इट विल नॉट बी सीन देयर. आज है कल दिखाई नहीं देगा, ते आज आहे ते उद्या दिसून येणार नाही. डोंट बोस्ट बोस्ट अबाउट युअरसेल्फ, आप अपने खुद के बारे में घमंड न करो, आणि स्वतः विषयी तुम्ही गर्व करू नका. डोंट बोस्ट अबाउट टुमारो, और कल के बारे में भी आप गर्व ना करो, आणि उद्यासाठी देखील तुम्ही गर्व करू नका. विदिन वन डे वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, एक दिन में क्या कुछ हो जाएगा हमें नहीं मालूम, आणि एका दिवसात काय घडेल आपल्याला ठाऊक नाही. टुडे इज द डे ऑफ सॅल्वेशन, टुडे इज द एक्सेप्टेबल टाइम, आज ही वो सुप्रसन्न का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, आज प्रसन्नतेचा दिवस आहे, आज स्थानाचे दिवस आहे. व्हाट डस द वर्ड ऑफ गॉड से अबाउट मैन, मनुष्य के संबंध में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्याविषयी परमेश्वर वचन काय म्हणते. रिटर्न टू द बुक ऑफ साम्स 39:5, जब हम लोग 39 भजन के 5 वचन को पढ़ते हैं, जब आप स्तोत्र संहिता 39 अध्याय याचे 5वे वचन वाचतो, देख तूने मेरी आयु 42 भर ही भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं, सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं. Behold, thou hast made my days as an handbreadth, and my ages as nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Every man at the best state altogether is vanity. मनुष्य अपने सारे उत्तम परिस्थिति में एक व्यर्थ ही ठहरे हैं. अनेकदा मनुष्य किती खंबीर असला तरी तो शाश्वत रूपच आहे. You consider yourself as vanity? आप अपने आप को क्या एक व्यर्थ करके समझते हो? काय तुम्ही स्वतःला श्वास रूप समजता काय? The way people decorate themselves. जिस रीति से लोग अपने आप को सजाते हैं. आणि ज्या प्रकारे लोग स्वतःला सजवितात. The different kinds of garments they wear. अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को जो लोग पहनते हैं. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे वस्त्र ते परिधान करतात. Morning one, afternoon one, evening one, and then evening something else. सुबह एक कपड़ा, दोपहर को दूसरा, शाम को दूसरा, रात को सोने में अपने कपड़े को फिर बदल देते हैं. आणि सकाळी वेगळे, बारी वेगळे, संध्याकाळी वेगळे, आणि झोपताना देखील ते कपडे आपले बदलतात. व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड से, वचन क्या कहता है, वचन काय म्हणते. एव्हरीवन एट हिज बेस्ट इज वॅनिटी, सब मनुष्य जो स्थिर है वो व्यर्थी है. आणि सर्व मनुष्य किती खंबीर असला तरी तो श्वास स्वरूपच आहे. व्हेन वी टर्न टू द बुक ऑफ मायका चॅप्टर 7:4, मीका का किताब 7वे अध्याय के 4थे वचन को पढ़ने से, मीका चे पुस्तक 7 अध्याय चे 4थे वचन जेव्हा आपण वाचतो, दैट इज द नेचर ऑफ मॅन, ओ यही मनुष्य का प्रकृति है, ने तो स्वभाव. आणि आज हेच मनुष्याचे स्वभाव आहे, त्याचे प्रतिबिंब आहे. उनमें से जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदायी है, जो सबसे सीधा है वो कांटे वाली बाड़ी से भी बुरा है. तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन, द बेस्ट ऑफ देम इज एज अ ब्रायर, द मोस्ट अपराइट इज शार्पर देन अ थॉर्न. प्लीज स्पीक टू द बेस्ट ऑफ देम इज अ ब्रायर, यहां पर लिखा है जो उस पे सबसे उत्तम है वो कटीली झाड़ी के समान है. आणि त्यातील उत्तम गोष्ट जो आहे ते काट्याचे खुंपण आहे. इट्स लाइक अ थॉर्न, ही कीप्स ऑन प्रिकिंग एट सम टाइम ऑर द अदर, keeps on pricking others. और वो ऐसे कांटे वाले उस कांटे के समान है जो हर समय किसी ना किसी को छेदते रहते, मारते रहते. आणि तो त्या काटेरी कुंपणा सारखा, झुडपा सारखा आहे, जे कोणाला कळणार तरी तो टोचत असतो. We are not supposed to boast about ourselves. हम लोग खुद के बारे में घमंड नहीं करना चाहिए. आपन स्वतः विषय गर्व करू नये. All flesh is grass. सब कुछ जो मनुष्य जो है वो एक घास के समान. सर्व मनुष्य जाति तो एक गवत समान है. God is asking Isaiah, cry out. और इसी के लिए परमेश्वर यशायाह से कहता है, तू उनको देख करके पुकार, प्रचार कर. आणि यामुळे यशायाह परमेश्वर म्हणत आहे, त्यांच्याकडे ता पाहून तू उपदेश कर. What should I cry? यशायाह पूछा, प्रभु मैं इनको देख करके क्या प्रचार करूं? आणि यशायाह म्हणत आहे, हे प्रभु यांना पाहून मी काय उपदेश करूं? Cry, cry, it's not उपदेश करो, cry out. और वो उसको चिल्लाने को कहता है. आणि तो रडण्यासाठी तो सांगत आहे. Cry out, the man is wonderful. और
तू चिल्ला करके बोल कि मनुष्य अद्भुत है आणि तू रडून सांग कि मनुष्य अद्भुत आहे cry out the man is glorious और इस बात को चिल्ला के बोल कि मनुष्य शोभायमान है आणि तू रडून ओरडून सांग कि मनुष्य शोभायमान आहे go in the book of Isaiah 46 chapter 40 verse 6 what did we read नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है यशय किताब 40 के 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ के देखा आणि या प्रमाणे लिहिलेले नाही परंतु यशयाचे पुस्तक 40 अध्यायाचे 6वे वचनामध्ये आपण काय वाचलो that all flesh is grass तू इस बात को चिल्ला करके कहे कि सारे मनुष्य तो घास है तो हरवली मारून सांग सर्व मानव जाति एक गवत है glory is the flower of the grass और उसकी सारी शोभा मैदान के फूल के समान है सर्व शोभा वनातल्या फुला सारखी है परमेश्वर के नाम की महिमा हो देवाचा नवास धन्यवाद असो व्हाट इज द थर्ड ब्लेसिंग ऑफ द शावर और इस बरसात की तीसरी आशीष क्या है पावसाचे तीसरे आशीर्वाद काय आहे कॉल इट द शावर ऑफ द लैटर रेन और ये अंतिम दिनों की बरसात करके हम कहते हैं अपन वास्तो when you turn to the book of Zechariah chapter 10 verse 1 जकरिया की किताब 10वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ने से जब अपन जकरिया की पुस्तक 10 अध्याय के पहले वचन वास्तो फर्स्ट शावर ऑफ द फॉर्मर रेन सबसे पहले पहली बरसात के बारे में आणि सुरुवातीला जे आहे प्रथम वर्षा बद्दल लिहिलं आहे इट हैपेंस समवेयर इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर अक्टूबर और ये सप्टेंबर अक्टूबर महीने में होने वाली एक बरसात आणि ते सप्टेंबर अक्टूबर महिन्यामध्ये होणारे पाऊस ग्राउंड इज सॉफ्टन्ड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग अभी मट्टी नरम हो गया बोने के लिए तैयार हो गया आता माती मऊ झालेली आहे आणि वृक्ष लावण्यासाठी ती सपाट झालेली आहे सेकंड इट इज द शावर व्हिच इज द वर्ड ऑफ गॉड वर्ड ऑफ गॉड इज सोन और दूसरा ये वो बरसात है जहाँ पर परमेश्वर का वचन बोया गया है आणि ही अशी पाऊस आहे ज्यासाठी जे आहे परमेश्वराचे वचन लावण्यासाठी ते नांगरणी झालेली आहे फ्रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग अभी वो पनपने लगा बढ़ने लगा आता त्याचे वाढ होत आहे अंकुर फुटत आहे दिस शुड बी अ लैटर रेन नाउ अभी एक पिछली बारिश होना जरूरी है आता मागील एक पाऊस पडणे गरजेचे आहे रिटर्न टू बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 10 वर्स 1 जब हम लोग जकरिया का किताब 10वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं जब अपन जकरिया की पुस्तक 10 अध्याय याचे पहले वचन वाचतो बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वो उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा Asking of the Lord rain in the time of the latter rain, so the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाचा नमस्कार धन्यवाद असो. This is for our perfection. और ये हमारे पूर्णता के लिए सिद्धता के लिए. आणि हे आपल्या परिपूर्णतेसाठी सिद्धतेसाठी आहे. We would have got the former rain if we don't have the latter rain. अगर हमको पहली बरसात मिला है और अंतिम बरसात अगर ना मिले आणि आपल्याला पूर्वीचे पाऊस मिळाले आणि शेवटचे पाऊस जर मिळाले नाही तर farmers know that if it doesn't rain 4 months before the harvest अगर किसान इस बात को भली भांति जानते हैं कटनी के 4 महीने पहले अंतिम वर्षा अगर नहीं हो आणि शेतकऱ्याला व्यवस्थित ठाऊक आहे कापणीच्या आधी जर 4 महीने आधी पाऊस झाले नाही तर इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी और वो उसके जो उपजाऊपण को वो नष्ट कर देगा आणि त्याचे जे सुपीक आहे तो तू नष्ट करेल कॉर्न विल नॉट ग्रो टू द फुल एक्सटेंट और वो जो धान जो है वो परिपूर्णता में नहीं बढ़ेगा आणि त्याचे जे धान्य आहे ते परिपूर्णते मध्ये त्याची वाढ होणार नाही व्हाट इज द नीड ऑफ द लैटर रेन और ये व्हाट इज द नीड ऑफ दिस आर और ये समय में इस अंतिम वर्षा की जरूरत क्यों है आणि या शेवटच्या वेळेमध्ये त्या शेवटच्या पावसाची आवश्यकता का आहे इफ यू प्रे फॉर द लैटर रेन कितने लोग इस अंतिम वर्षा के लिए प्रार्थना करते हो आणि किती लोग या शेवटच्या पावसासाठी तुम्ही प्रार्थना करीता unless there is latter rain church of God will not be perfected जब तक ये अंतिम बरसात ना होगा कलीसिया पूर्णता में नहीं तो सिद्धता में नहीं बढ़ पाएगा आणि शेवटचे पाऊस जोपर्यंत पडणार नाही तोपर्यंत मंडळी परिपूर्णतेमध्ये सिद्धतेमध्ये ते वाढणार नाही इफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड प्रेइंग कंटिन्यू प्रे मच अगर आपने प्रार्थना करना पहले शुरू कर दिया है और भी प्रार्थना करो लगातार प्रार्थना करते रहो आणि तुम्ही प्रार्थना करण्यासाठी सुरुवात केली असाल तर सतत प्रार्थना करत रहा सतत आणखी प्रार्थना करीत रहा इफ यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर लैटर रेन सो फार यू स्टार्ट आस्किंग फॉर दैट फर्स्ट लेकिन अगर अभी तक आपने अंतिम बरसात के लिए प्रार्थना नहीं किया तो सबसे पहले इस बरसात के लिए प्रार्थना करना शुरू करो
आणि शेवटच्या पावसासाठी तुम्ही प्रार्थना केले नाही तर पूर्वीच्या पावसासाठी तुम्ही प्रार्थना करण्यास प्रारंभ करा. Ask for the latter rain. It is a command. It's not an option. You must understand. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम वर्षा के लिए तुम मांगो ये एक विकल्प नहीं ये परमेश्वर की आज्ञा है. आणि तुम्ही जाए परमेश्वर जवळ वळवाच्या पावसाची मागणी करा हे परमेश्वराचे विकल्प आहे. You have received the Holy Spirit that is former rain can be compared with the former rain. जो आपने पवित्र आत्मा को देखा ये पहली बरसात के साथ हम उसे तुलना कर सकते हैं. आणि आपण जे आहे प्रथम पाऊस जे आहे त्याची तुलना पवित्र आत्मा सोबत करू शकतो. A child is born, it is true. एक बच्चा जन्म लिया ये सही बात है. आणि एक पुत्राचे जन्म झाले खरी गोष्ट आहे. At the same time it has to grow. लेकिन उसी समय में चाहिए कि ये बच्चा बड़े. आणि त्याच वेळेमध्ये त्याची वाढ होणे गरजेचे आहे. We need few other things is more important is this latter rain. और हमको उसके लिए और भी कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता है लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण है अंतिम बरसात हमें चाहिए. आणि त्यासाठी आपल्याला अनेक गोष्टीची गरज आहे परंतु त्याआधी आपल्याला शेवटच्या पावसाची आवश्यकता आहे. We need apostles, prophets, etc. to nurture the child. एक बच्चे को खिला के पिला के पोषण करने के लिए हमें प्रेरित चाहिए भविष्यता चाहिए शिक्षित और शिक्षा करने देने के लिए ऐसे कई चीज हमें चाहिए. अनेक लहान मुलाला जे आहे त्याला जेवण खाऊ घालून त्याचे पालन पोषण करण्यासाठी प्रेषितांची उपदेशकांची आवश्यकता आहे. Apart from that you need abundance of rain. उसी के साथ ही साथ बहुतायत की बरसात भी हमें आवश्यक है. आणि याच्या सोबत सोबत आपल्याला पुष्कळ पावसाची वृष्टीची आवश्यकता आहे. When we turn to the book of James chapter 5 verse 7. याकूब की पत्री उसके पांचवें अध्याय के सात वचन जो वो पलट के देखते हैं. याकूबाचे पुस्तक पांच अध्याय सातवें वचन जो अपन वास्तव. सुही भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो. देखो किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है. Be patient therefore brethren until the coming of the Lord. Behold the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth and hath long patience for it until he receive the early and latter rain. Two things are mentioned. यहाँ पर दो बातें का उल्लेख है. या ठिकाणी दोन गोष्टीचे उल्लेख आहे. One is fruit, one is precious fruit. और यहाँ पर एक फल और एक बहुमूल्य फल के बारे में लिखा है. आणि या ठिकाणी एक पीक आणि मौल्यवान पीक याबद्दल लिहिलेले आहे. When you receive the Holy Spirit you become a fruit. जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हो तो आप एक फल बन जाते हो. जब तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करता हो त्यावेळेस तुम्ही पीक होऊन बदलता. When you receive the former rain you become a fruit. जब आप एक पहली बरसात को पाते हो उस समय में आप एक फल होकर के दिखाई देते हो. जब तुम्हें पहले पाउस प्राप्त करता हो त्यावेळेस तुम्ही पीक होऊन बदलता. But at the same time, you don't become precious fruit. लेकिन उस समय में आप एक बहुमूल्य फल होकर के नहीं बदलते. परंतु त्यावेळेमध्ये तुम्ही मौल्यवान पीक होऊन बदलत नाही. You are mango. But at the same time, it's not ripe. आप एक आम हो कि उसी समय में वो आम कच्चा है पका नहीं. आणि तुम्ही एक आंबा आहात तर ते पिकलेले नाही तर ते कच्चे आहे. This will not go to the master's table. और ये कच्चा आम उसके स्वामी के मेज में नहीं जाएगा. आणि ते कच्चे आंबा म्हणजे कैरी त्या मेजवानी मध्ये जाणार नाही. Husbandman doesn't wait for the fruit, he waits for the precious fruit. ये जो किसान है ये केवल फल के लिए इंतजार नहीं करता लेकिन वो एक बहुमूल्य फल होने के लिए बाट जोता है. आणि शेतकरी जे आहे भूमीच्या पिकासाठी तो अपेक्षा करत नाही तर मौल्यवान पिकाची तो अपेक्षा करीतो. For that you need a latter rain. और इसके लिए हमें एक अंतिम वर्षा चाहिए. यासाठी आपल्याला शेवटच्या पावसाची आवश्यकता आहे. You may have heard in the message yesterday also. आपने कल भी संदेश में सुना था. आणि काल देखील तुम्ही उपदेशामध्ये ऐकले. Many of us are satisfied with an ordinary anointing. साधारण अभिषेक के द्वारा अनेक लोग अपने जीवन में संतुष्ट है. आणि सर्वसाधारण अभिषेकाच्या द्वारे अनेक लोक तृप्त आहेत. As much as your ankle, that anointing is not sufficient. और जब तक आपके उसे एड़ी तक या टटको तक ये 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 पानी है तब तक ये काफी नहीं है. आणि टोकना परत किंवा घुटग्या परत ते पानी असे परत हे आपल्याला पुरेसे नाही. In a particular place where I was serving. एक खास स्थान जहां पर मैं सेवा कर रहा था. आणि एका खास ठिकाणी मी सेवा करीत होतो. There was an elderly lady. वहां पर एक बुजुर्ग महिला थी. आणि त्या ठिकाणी एक वृद्ध महिला होती. She told me, "Acha, I've received four unknown tongues." और उसने उस पे कहा कि मैंने चार अन्य भाषा को पाया है. आणि ती म्हणाली मी चार प्रकारचे अन्य भाषा प्राप्त केले आहे. She would keep on repeating that over and over again. और बारंबार वो चार भाषा को बारंबार बारंबार बोलती दोहराती है. आणि वारंवार वारंवार ती त्या चार अन्य भाषाला ती बोलत होती. What do we read in the book of Ezekiel chapter 47 from
परिपूर्णता परमेश्वराच्या आशीर्वादाची परिपूर्णता. यू शुड नॉट बी एबल टू स्टँड, योर फीट मस्ट नॉट बी एबल टू स्टँड. आपका पाव एक जगह में ठहरेगा नहीं, आप एक जगह में खड़े ना हो सकोगे. आणि तुम्ही एका जागी स्थिर राहणार नाही, तुम्ही एकाच ठिकाणी उभे राहणार नाही. इफ इट गोज अबव योर शोल्डर, अगर ये पानी जो परमेश्वर के समुख से निकल के आता है आपके कंधों से भी ऊपर हो जाने से, आणि जेव्हा हे परमेश्वराच्या समुखातून निघणारी नदी किंवा पाणी तुमच्या खांद्याहून वर गेले तर, दिस इज द काइंड ऑफ anointing that we need. और ये इसी प्रकार के अभिषेक है जो हमें इन दिनों में चाहिए. और ये याद प्रकार का अभिषेक है जो अपने लिए याद स्थान में गर्ज चाहे. A child of God receive this anointing. एक परमेश्वर का बच्चा अभिषेक को पाता है. जब वहाँ एक परमेश्वर का लेकिन particular child of God receive this anointing. एक खास बच्चा एक अभिषेक को प्राप्त किया. एक विशेष लेकर परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त किया. I heard that testimony. और मैंने उसकी गवाही सुना. और मीता जी साक्षात में waves and waves of the love of God started to flow through her. उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की प्रेम की लहर एक के पीछे एक बहते चला गया. आणि त्याच्या जीवनामध्ये परमेश्वराचे प्रेम लाटांच्या मागे लाटा लाटांच्या मागे लाटा वाहू लागले. Where is the anointing? वो अभिषेक अब कहां है? आता ते अभिषेक कोठे आहे? A famous preacher mentioned about the power of God which was working in him. और एक बहुत ही विख्यात एक प्रचारक उसके जीवन में काम करने वाले परमेश्वर के अभिषेक के सामर्थ के बारे में वो इस प्रकार कह रहा था. एक प्रसिद्ध उपदेशक त्याच्या जीवनात परमेश्वर के सामर्थ अभिषेक कसे काम करते या विषयी तो सांगत होता. He said, God anointed me so to such an extent I was forced to ask God, Lord, it is enough. If you give me more, my heart would break. और उसने इस प्रकार कहा कि इस रीति से परमेश्वर मुझे अभिषेक की बारिश दे रहा था और वो लगातार मेरे जीवन में इस रीति से कार्य कर रहा था कि मुझे कहना पड़ा, हे प्रभु रुक जा, रोक दे, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा. आणि तो या प्रकारे म्हणू लागलो, परमेश्वराचे सामर्थ्य माझ्या जीवनात त्या प्रकारे कार्य करू लागले, यामुळे मला परमेश्वराला म्हणावे लागले, हे प्रभु बोस कर, कारण माझे हृदय फाटून जाईल. Can transform us, change our character. और यही इसी प्रकार के अभिषेक हमारे जीवन में हमारे स्वभाव में संपूर्ण परिवर्तन एक रूपांतर ला सकता है. आणि याच प्रकारचा अभिषेक आपल्या जीवनामध्ये आपल्या स्वभावामध्ये एक परिपूर्ण रूपांतर घेऊन येऊ शकते. What is the cause for your sickness? और आपके बीमारी का कारण क्या है? आणि तुमच्या आजाराचे कारण काय आहे? I'm weak, I've got that sickness and this sickness. मेरे अंदर बीमारी है, मैं दुर्बल हूँ, ये और वो मेरे अंदर रोग. आणि मी आजारी आहे, मी बळहीन आहे, मी दुर्बल आहे. सम ऑफ अस complain about the sicknesses which are not there in medical dictionary also. और कुछ लोग तो इस प्रकार की भी शिकायत कर रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसी बीमारी है जो मेडिकल के शब्दकोश में ही नहीं है. आणि या काही लोग या प्रकारे तक्रार करतात, माझ्यामध्ये या प्रकारचे आजार आहे जे मेडिकलच्या डिक्शनरी मध्ये देखील नाही. But if this river of life can flow through us. लेकिन अगर ये जीवन की नदी अगर हमारे अंदर से बहने लगे, जर आपल्या जीवनातून हे जीवंत नदी वाहू लागेल तर, what do we read in the book of Ezekiel chapter 47 verse 9. और ऐसे के 47 के 9 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? और Ezekiel के पुस्तक 47 अध्याय या 49 वचन में अपन काय वास्तो? Wherever this water went, everywhere it was healing. जहाँ कहीं भी ये नदी बह करके गई, जहाँ जहाँ गई, वहाँ वहाँ चंगाई ले आई. और जेते जेते है पानी वहाँ जात होते, नदी वहाँ होते, या ठिकाणी सर्व काही निरोगी होत होते. Dear child of God, you are created for His glory. परमेश्वर के प्रिय संतान, तू उसकी महिमा के लिए सृजा गया है. आणि प्रिय देवाचा लेखना, तू देवाचा गौरवासाठी तू सृष्टी करण्यात आलेला आहेस. You are not created that you may be in the bed of languishing. तू एक 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 रोग के शैया में रह करके विलाप करने के लिए परमेश्वर ने तुझे नहीं बनाया. आणि आजारामध्ये ग्रस्त राहून परमेश्वर यासाठी तुला पाचारले नाही. Your sickness will not glorify God. Your healing glorifies God. तेरी बीमारी परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा, लेकिन उसमें मिलने वाली चंगाई ही परमेश्वर की महिमा करेगा. तुझा जीवनातील आजार परमेश्वराचे गौरव करणार नाही, परंतु तू प्राप्त केलेले आरोग्य परमेश्वराचे गौरव करेल. How many of you are sick tonight? Lift up your hands. आज की रात आप में से कितने लोग रोगी हैं? अपने हाथ को उठाएं. आज संध्याकाळी जितके लोग तुम्हामध्ये आजारी आहेत, अपने हाथ उंच करा. You will not depart from this hall
with their old sickness. आप इस बीमारी के साथ इस स्थान से लौट के नहीं जाना. आणि तुमच्या आजाराने तुम्ही हे स्थान सोडून हे हॉल सोडून तुम्ही जाऊ नये. All those who receive the Holy Spirit, you may be a new soul, you may be a believer, you may be a servant of God. Get filled with the Spirit. आप एक नया व्यक्ति होंगे, आप एक विश्वासी होंगे, एक सेवक भी होंगे. आप अपने आप में पवित्र आत्मा का अभिषेक की परिपूर्णता आने दे. अन्य भाषा में बातें करें. आणि तुम्ही नवीन विश्वासी असाल किंवा चांगले विश्वासी असाल, सेवक असाल, पवित्र आत्म्याचा अभिषेक अन्य भाषा तुमच्यामध्ये येऊ दे. Let the power of God come upon us. परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे ऊपर उतरने दे. परमेश्वराचे सामर्थ्य आपल्यावर उतरू दे. We'll be turned into another man. आप एक दूसरा एक और ही मनुष्य करके बदल जाओगे. आणि तुम्ही एक दुसरे मनुष्य होऊन रूपांतरित व्हाल. You were sick all these years. इन सारे वर्षों में आप बीमार थे. आणि या अनेक वर्षापासून तुम्ही आजारी होता. What was mentioned to King Saul? Saul? और साउल को क्या बताया बोला गया? अनि सोलाला काय म्हणत आले? The anointing will come upon you with all power. जब ये सामर्थ्य पूरे शक्ति के साथ तेरे ऊपर आएगा, जब पूर्ण सामर्थ्य ने एक शक्ति तुझा और उठू नहीं, you will be turned into another man. तू एक और ही मनुष्य करके बदल जाएगा. अनि तू वेगळा मनुष्य होऊन बदलून जाशील. On one side, character wise, एक तरफ देखने से स्वाभाविक रीति में या स्वभाव में परिवर्तन. अनि एका पद्धतीने पाहिले असता त्याच्या स्वभावामध्ये परिवर्तन. On another side, all sicknesses must go. और दूसरी तरफ देखने के समय में शरीर में दिखाई देने वाले सारी बीमारी निकल जाएगी. आणि दुसरीकडे पाहिलं असतं त्याच्या शरीरातील सर्व आजार निघून जातील. All those who are sick, lift up your hands. एक और बार जितने बीमार है अपने हाथ को ऊंचा करे. पुन्हा एकदा जितके आजारी आहेत अपने हाथ उंच करा. Power of God will come upon you. परमेश्वर की सामर्थ्य अभी आपके ऊपर उतरेगा. परमेश्वराचे सामर्थ्य आता तुमच्यावर उठू नये. Where there is spirit, there is liberty. की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है. परमेश्वराची आत्मा है त्या ठिकाणी स्वतंत्रता है. The anointing that you have received will liberate you now. जो अभिषेक अभी आप पाने जा रहे हो वही आपको स्वाधीनता देगा. आणि जे अभिषेक तुम्ही आता प्राप्त करत आहात ते अभिषेक तुम्हाला स्वाधीन करे. Hello to God. आप परमेश्वर की ओर देख करके दोहाई दो. परमेश्वराकडे पाहून तुम्ही आवडी मारा. Let the anointing come upon you. आपके ऊपर अभिषेक उतरने दे. अभिषेक उतरू नेऊ दे. No sickness can stand before that holy fire. पवित्र अग्नि के सामने कोई बीमारी खड़ा नहीं ले सकता. पवित्र अग्नि समोर कोणतीही गोष्ट उभी राहू शकत नाही. Sickness cannot stand before this shower of blessing. इस आशीष की बरसात के सामने उसके समक में कोई बीमारी ठहर नहीं सकता. आशीर्वादाच्या पावसाच्या समोर कोणतेही आजार थांबू शकत नाही. Lift up your hands and pray, pray. अपने हाथ को उठाते हुए दोहाई देते रहो, प्रार्थना करते रहो. अपने हाथ उंच करून परमेश्वराला आदरी मारा. तुम्ही प्रार्थना करा. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. यीशु ख्रिस्ताच्या नावात. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. तुझ्या नावात. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. यीशु ख्रिस्ताच्या नावात. No sickness is too great for God. परमेश्वर के लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं है. परमेश्वर साठी कोणते आजार मोठे नाही. There is no problem which is too great for him that he cannot stand. परमेश्वर के सामने कोई भी समस्या बड़ा नहीं है. परमेश्वर समोर कोणतीही समस्या मोठे नाही. ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं. यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारी सब कुछ वही करेगा. ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं. यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा. ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं. यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा. ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं. यदि तुम विश्वास करोगे स्वाधीनता. परमेश्वर की आत्मा वहां पर स्वाधीनता. अधिकारी पर
स्वतंत्रता है that all sickness will not take hold of you again. और ये पुरानी बीमारी और तुझे पकड़ करके रख नहीं सकती और कोणतेही आजार तुला बंदिस्त करून ठेवू शकत नाही. You are delivered from the power of backsliding. पीछे हटने वाली शक्ति से तूने छुटकारा पा लिया है. Don't be afraid, will it recur again? और वो दोबारा आपके सामने आने के समय में मत डर. अरे तो पुन्ना तुझे समझे दोस्तों ब्रोबरी ने दोस्त. Will I fall into that sin again? Will I fall into that sin again? और जब मैं गिरूंगा वो मुझे दोबारा उठाएगा. जब अभी खाली पड़े पर बैग सिरे में ला उछले. No, it cannot come anywhere close by. कोई दुष्ट शक्ति ये कोई बुरी बीमारी तेरे समीप आ नहीं सकता है. दुष्ट शैतान तुझे समोर यूं सकता ही. He's sending his shower of blessing upon you. तो आशीष की बरसात तेरे ऊपर बरसा रहा है. आशीर्वाद जे बाउस पर बेशक तुझे और पाती था है. River of life is flowing in your body. जीवन की नदी तेरे पास बहकर के आ रही है. तुझे समोर Some of us are afraid of tomorrow. कई लोग कल के बारे में सोच के डरते हैं. कई लोग उदय विषय विचार कर उठा बरता. दिस डेविल विल टॉर्मेंट मी टुमारो. ये शैतान कल मुझे सताएगा. अनि उदय हे शैतान मला घाबरवेल. दिस सिन दिस सिकनेस दिस पावर ऑफ बैकस्लाइडिंग विल अगेन हार्म मी टुमारो. ये तो हार्म मी टुमारो. ये पाप ये शैतान ये पीछे हटने वाली आत्मा कल आकर के मुझे सताएगा. कल आकर के मुझे आक्रमण करेगा. उदय जो है मागे पन्ना रे शैतान अनि अशुभ जो है मला उदय उन सतू लागेल. हु टोल्ड यू दैट. किसने तुझे ये कहा. कोणाला तू कोणाने तुला सांगितलं है. इफ द सन डिलीवर्स यू यू आर delivered indeed. अगर पुत्र तुझे छुड़ा दे तो तू सच में स्वाधीन हो जाएगा. अरे पुत्र तुला सोड़वे तो खरोखर तू स्वतंत्र हो जाएगा. Who told you? Who told you? किसने तुझे कहा कि वो दोबारा आएगा. कोनी तुला संगीत दे तो पुन्ना ये ही ले. Resist the devil. शैतान का सामना करो. शैतान वाला तू धक्को. This revival will not stop. ये संजीवन रुकेगा नहीं. अरे ये संजीवन थमना नहीं. It keeps going. ये लगातार चलते रहेगा. ये लगातार बढ़ते रहेगा. अरे सतत हे चालत राहील. सतत तुम्हाला चालवत राहील. You'll go from strength to strength. आप बल से और भी बल में बढ़ते जाओगे. अरे बड़ा तू अधिक बल तुम्हें प्राप्त कराल. God is enormous. God has taken charge of your family, your personal life. परमेश्वर हमारे बीच में है. तेरे व्यक्तिगत जीवन और तेरे पारिवारिक जीवन का सारा बोझ उसने उठा लिया है. परमेश्वर अपने मध्य है. तुझा व्यक्तिगत जीवन छे कुटुंबिक जीवन छे ओ छे परमेश्वर ने वही लिया है. Nothing will touch you hereafter. इसके बाद आज के बाद कोई तुझे ना छुएगा. अरे आज पासून कोई तुला स्पर्श करना नहीं. But remain in the hands of God. लेकिन तुझे चाहिए कि तू परमेश्वर के हाथ में बने रहे. अरे तुला पाहिजे देवाचा मार्ग तू चालव. शराब खथरा रब शुद्ध कदा बखथरा शुद्ध कदा बखथरा नखथरा. एक व्यक्ति था जिसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया. अन्य एक व्यक्ति होता जाने वाफे वर्चे इंजन बनविले होते. His name was George Stephenson. और उसका नाम जॉर्ज स्टीफनसन है. अन्य तो जिन्हाओ जॉर्ज स्टीफनसन आए. He laid down the track.
और उसने पटरियों को सजाया आणि तो जाए पटरी रसी रसीला फॉर सम डिस्टेंस और कुछ दूरी तक आणि काही लांब पर्यंत ही पुट वन ऑर टू सीट्स आल्सो देयर और One or two seats. और वहां पर दो तीन कुर्सियों को ने तो सीट को भी रखा आणि त्या इंजिनामध्ये जाए दोन खुर्च्या देखील तो ठेवला tested it और उसने उसकी परीक्षा किया आणि त्याची चाचणी तो करू लागला perfectly working और बहुत ही सुंदर रीति से वो काम कर रहा है आणि खूप सुंदर रीत्या ते कार्य करीत होते then he had a sister her name was Mary और उसकी एक बहन थी जिसका नाम मेरी था आणि तिची बहन होती तिचे नाव मेरी होते मेरी यू सी आई हैव इन्वेंटेड दिस इंजन और ये आकर के कहा कि बहन मेरी आओ देखो मैंने एक इंजन का आविष्कार किया है आणि तो म्हणू लागला ये बहनी ये मी एक इंजन बनविले आहे कम एंड सिट और तुम आओ और इस चेयर में इस कुर्सी में तू बैठो आणि ये आणि या कुर्सी वर तू बसून जा व्हाट डिड शी से पता है उसने क्या कहा आणि ती काय म्हणाली ठाऊक आहे का ओ स्टीव दिस विल नॉट गो फॉरवर्ड दिस विल नॉट गो फॉरवर्ड उसने कहा कि भाई स्टीव मैं इस कुर्सी में तो बैठ जाऊंगी लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा आणि हे बाबा हे तू बनविले आहेस खरे मी आच्यावर बसले असता हे पुढे जाणार नाही कम मेरी कम एंड सिट देयर उस भाई ने कहा कि बहन मेरी तू आ केवल आकर के बैठ जा बस आणि तो म्हणाला हे बहिणी मेरी तू येऊन बस फक्त तेवढे पुरेसे आहे थ्रॉटल और उसने उसके उस थ्रॉटल को या उसके गियर को चेंज किया आणि त्याचे गियर तो बदलू लागला he pulled one thing then pushed another thing उसने एक खींचा दूसरा धक्का दिया आणि एक वळला आणि तो दुसऱ्या हाताने ढकलू लागला started moving forward और देखो धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा आणि पाहता वाफेवरचे इंजन हळूहळू पुढे जात आहे झुक 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 और झुक 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 की आवाज के साथ आगे बढ़ रहा है आणि झुक 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 आवाजासहित पुढे जात आहे after it started moving और उसके बाद वो दौड़ने लगा आणि ते आता धावू लागले आहे सो देन started moving और वो आगे बढ़ने लगा आणि ते पुढे चालू लागले you know what does this Mary say और पता है मेरी ने अब क्या कहा आता मेरी काय म्हणाली ठाऊक आहे काय the person who said it will not move जो व्यक्ति ने कहा था कि ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा जो व्यक्ति ने म्हटले होते ही गाड़ी पुढे जाणार नाही he said host George It will not stop now. It will not stop. How will I alight? अब वो चिल्ला अब वो चिल्लाने लगी कि भाई जॉर्ज ये अब रुकेगा नहीं ये थमेगा नहीं मुझे यहाँ से उतार दे आणि आता ती म्हणू लागली हे भावा जॉर्ज आता ही गाड़ी थांबत नाहीये तुम्हाला थांबव तुम्हाला वाचव पेंटिकॉस इंजिन हैज स्टार्टेड यू मिसअंडरस्टैंड परमेश्वर के फ्री लगो पेंटिकॉस का ये इंजिन शुरू हो गया हम लोग समझ लेना चाहिए ये लोकांनो पेंटिकॉस्टल मध्ये हे इंजिन चालू झाले आहे हे आपण समजले पाहिजे इट विल नॉट स्टॉप टिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए अब ये ना रुकेगा परमेश्वराच्या आगमनापर्यंत हे इंजिन आता थांबणार नाही the revival which the Lord has begun in your life and your family it is going to continue जो संजीवन परमेश्वर ने तेरे जीवन में तेरे पारिवारिक जीवन में आरंभ किया है वो निरंतर वो लगातार बढ़ते रहेगा जे संजीवन परमेश्वर तुझ्या जीवनामध्ये कुटुंबिक जीवनामध्ये चालू केले आहे परमेश्वर नित्य ते चालवे the good work which he has begun in our church the good work which he has begun in every servant of God it will continue till the coming of the Lord जो भले काम को परमेश्वर हमारे कलीसिया में शुरू किया जो भले काम परमेश्वर ने प्रत्येक सेवकों के जीवन में आरंभ किया प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक ये लगातार बढ़ते रहेगा परमेश्वर ने ही चांगले कृत्य विश्वासणाच्या जीवनात सेवकांच्या जीवनात प्रारंभ केले आहे ते नित्य देवाच्या आगमनापर्यंत चालू ठेवेल सो डोंट बिलीव What the devil tells you, tomorrow you will not continue in this. इसी के लिए शैतान जो आपके कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि कल ये आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा उसको तुम विश्वास न करो त्यामुळे शैतान तुमच्या कानामध्ये भुरळ घालतो त्या गोष्टीवर तुम्ही विश्वास ठेवू नका Be sure that you are there in that engine. लेकिन आप इस बात से निश्चित हो जाए कि आप उस इंजिन के अंदर है आणि तुम्ही निश्चय करा तुम्ही त्या इंजिन मध्ये आहात All those who believe they shout hallelujah. जो लोग इस बात का विश्वास करते कि मैं उस इंजन में हूं लोग एक जोरदार हल्ले बोले जो लोग इसे फोर्थ चौथा विषय चौथे विषय रिटर्न टू द बुक ऑफ साम 72 वर्स 6 72 भजन के 6 वचन को पढ़ने से सूत्र संहिता 72 अध्याय के सभी वचन वासिल आस्ता वो घास की खूंटी पर बरसाने वाली मेघ और भूमि सींचने वाली झड़ियों के समान होगा ही शैल कम डाउन लाइक रेन अपॉन द माउंट grass as showers that water the earth
Here it is mentioned he himself will come down upon us. और यहाँ पर लिखा है कि वो स्वयं हमारे ऊपर बरसेगा. और या ठिकाणी लिहिलेला आहे तो शुद्ध आपल्यावर पर्जन्य प्रमाणे पड़े. Showering the anointing is one thing. Latter rain is one thing. एक अंतिम वर्षा में पवित्र आत्मा की बरसात होगा एक दूसरा विषय है. आणि जय शेवटच्या काळामध्ये पवित्र आत्म्याचा वर्षा होईल हे गोष्ट वेगळे आहे. He comes down to do a thorough work of sanctification in us. वो आप हमारे बीच में उतरेगा ताकि हमारे मध्य में संपूर्ण शुद्धिकरण का काम कर डाले. आणि तो स्वतः परमेश्वर आपल्या मध्ये उतरून येईल ज्याच्या द्वारे तो परिपूर्ण रीत्या आपल्याला शुद्ध करेल. Here it is mentioned he himself will come down upon. यहाँ पर लिखा हुआ है और वो आप खुद ही उस बरसात की मानिंद हमारे ऊपर बरसेगा करके लिखा हुआ है. आणि या ठिकाणी स्पष्ट लिखा है तो स्वतः पर धन्य प्रमाण आपल्यावर पडेल. When we turn to the book of Malachi, chapter 3, verses 1 to 4. Malachi ki kitab tisra adhyay 1 se lekar ke 4 tak ke vachanon ko jab hum padhte hain. Malachi ki pustak tisra adhyay pehle vachan pasun de 4 vachan jab apan vasto. Why does he come? Kyun wo aata hai? का तो ये तो order to do a work of sanctification. वो हमारे अंदर एक शुद्धिकरण का काम करने के निमित्त अपना मध्य एक शुद्धिकरण चाहिए काम करने साथी. As silver is tried. और जिस प्रकार चांदी को थाया जाता है वो उसे ताता है. आणि ज्या प्रकारे चांदीला शुभ्र करण्यात येते तसे तो आपल्याला शुभ्र करीतो. He will sit there and try the sons of Levi. और वो लेवी के बच्चों को बैठ करके उसे शुद्ध करेगा करके लिखा है. आणि लेवीच्या लेकराला देऊन तू त्याला शुद्ध करेल असे लिहिण्यात आलेले आहे. Read that verse. वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान. From 1 to 4 you read. The Lord will come. देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा. हाँ वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो सुनो वो आता है. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है. वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाचन आवाज धन्यवाद. व्हाट फॉर क्यों क्योंकि he will lead the church through trials and temptations. वो कलीसिया को कई प्रकार के क्लेश और आजमाइशों से ले जाते हुए आनी मंडलीला परमेश्वर का क्लेशातून संकटातून तो खेऊन जातो. A lady went to a goldsmith's. और एक एक महिला एक सुनार के पास गई. आनी एक महिला जो है एक सुनाराकडे गेली. He was that is allowing the gold to go through fire. और उसने देखा कि ये सोना को वो आंख से लेकर के वो आंख से उसको तार रहा है या आंख से सुले जा रहा है. आणि ती बायली हा सोनार जो होता सोन्याला तो अग्नीच्या भट्टीमधून तो घेऊन जात होता. She asked him how long. उसने पूछा कब तक. आणि ती विचारली कधी पर्यंत. You know what he said. पता है उस सोनार ने क्या कहा. त्या सोनाराने काय म्हणले ठाऊक आहे का. My face is clearly seen in that liquid gold. इसको जब तक आग में मैं पिघलाऊंगा तब तक जब तक सुनार का चेहरा या मेरा चेहरा उस तरल सोने के पदार्थ में जब तक दिखाई ना दे. आणि तो सोनार म्हणू लागला तो पर्यंत मी याला वितळेन जो पर्यंत माझे मुख या वितळलेल्या सोन्यामध्ये परिपूर्ण रीत्या दिसणार नाही. That is though it is there are trials and temptation it is a great blessing for the church of God. और यद्यपि कलीसिया में कई प्रकार के क्लेश और परीक्षा है तो भी ये क्लेश और परीक्षा परमेश्वर के बच्चों के लिए एक आशीष है. आणि मंडळी मध्ये अनेक प्रकारचे क्लेश संकट आले तरी देवाच्या लेकरांसाठी हे क्लेश आशीर्वाद आहे. Behold the tabernacle of God is with man. He himself will dwell among them. देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के मध्य में वो आप उसके मध्य में वास करेगा. आणि परमेश्वराचा डेरा मनुष्यामध्ये आहे परमेश्वर त्यात वस्ती करीतो. These days we should experience his presence more than at any other time. इन दिनों में अन्य सारे दिनों से बढ़कर के परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग महसूस करना चाहिए. आणि सर्व दिवसांधिक परमेश्वराची उपस्थिती आपण अनुभव घेतले पाहिजे. बी क्लोज टू हिम एंड ही विल बी क्लोज टू यू. आप उसके समीप जाओ तो वो आपके नजदीक आएगा. तुम्ही परमेश्वराचा जवळ जा परमेश्वर तुमच्या जवळ येईल. ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन्स विल कम. क्लेश परीक्षाएं आएंगी. आणि क्लेश आणि संकट येतील. बट डोंट बी मूव्ड बाय दोस थिंग्स. लेकिन उसके द्वारा आप घबराना नहीं आणि आप हिलना नहीं. त्याच्याद्वारे तुम्ही घाबरू नये आणि तुम्ही डगमगाऊ नये. इट्स नॉट टू ब्रेक इट्स टू मेक.
वो आपको तोड़ने को नहीं किंतु आपको बनाने के लिए आएगा। तो तुम आस तोड़ने साथी नहीं, तो तुम आस बनवाने साथी येता है। He wants to see his own image in you। वो परमेश्वर अपना चेहरा अपना रूप आप में देखना चाहता है। अनि तो परमेश्वर त्याचे स्वरूप त्याचा चेहरा तुमच्या मध्ये तो पाहू इच्छितो। फाइनली फिफ्थ वन, व्हाट डू वी रीड? आखिरी में पांचवा विषय हम क्या देखते हैं? अनि शेवटचे पाचवे आपण काय वाचतो? व्हेन वी टर्न टू द बुक ऑफ माइका चैप्टर 5 वर्स 7। मीका 5 के 7 में जो हम पढ़ते हैं, मीका के पुस्तक 5 अध्याय के 7वें वचन जो आपण वाचतो, शव व्हिच इज द रेमिनेंट, और ये जो बरसात है जो शेष लोगों के लिए, अनि हे जे परजन्य है ते श्रेष्ठ लोगों से क्या है, और याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसे यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्य की बाट नहीं जोती। And the remnant of Jacob shall be in the midst of many people as a dew from the Lord, as the showers upon the grass that tarrieth not for man nor waiteth for the sons of men. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाचन आवाज धन्यवाद हो। There is something called remnant. यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको शेष या बच्चे वे लोग करके कहते हैं। अनि या ठिकाणी असे काही लोग आहेत जे अविशिष्ट लोग जे बहुत असे थांबलेले आहेत। Even this has got two fulfillments. और यहाँ पर इस भविष्यवाणी का भी दो परिपूर्णता है या दो होना है। अनि याचे देखील दोन परिपूर्णता है किंवा दोन भाग होने आहे। Because of the sin, Israelites were altogether destroyed. पाप के कारण इस्राएली लोग संपूर्ण रीति से नष्ट हो गए थे, नाश हो गए थे। अनि पापा मुले सर्व इस्राएली लोग नष्ट होते, ते मरण पावत होते। They lost their kingdom. They were in exile for a long, long time. वे लोग अपने राज्य को खो दिया लंबे समय के लिए, वे परदेश में जाकर के रहने लगे। अनि जहे त्यांचे राज्य हरवले, विदेशा मध्ये परदेशा मध्ये ते बंदिस्त झाले। But God says, I have kept a remnant. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने बच्चे हुए लोगों को रखा है। परंतु परमेश्वर म्हणता है राहिलेला अविष्ट लोक। Elijah says, all have gone after, all have gone away from the living God. I alone am there. Elijah इस प्रकार कहता है कि सारे लोग जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया, केवल मैं ही अकेला बचा हुआ हूँ। अने Elijah यहाँ प्रकार मनाता है, सर्वे लोग जीवित परमेश्वर का छोड़ना है, फक्त मैं एकता रही लोहा है। Oh Elijah, you don't know that there are 7,000 more also. लेकिन हे एलिया, तू इस बात को नहीं जानता कि तेरे समान और 7,000 लोग बचे हुए हैं। परंतु हे एलिया, तुला ठाउक नहीं अनकी 7,000 लोग तुझे सर क्या है। So there is something called spiritual remnant also. और ऐसा भी कुछ है जिसको एक आत्मिक बचे हुए लोग करके कहते हैं। अने अनकी एक अपन पाऊ सकते आत्मिक रीत्या रहिलेले लोग अपन म्हणू सकते। God has graciously kept you and us in the fellowship of the saints so far. परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह के द्वारा आपको मुझको संतों की सेवा गीता में अभी तक संभाले रखा है। देवाचा मोठ्या कृपेने परमेश्वर ने आज पर्यंत तुम्हाला आणि मला त्या संतांच्या सहभागीतेमध्ये ठेवलेले आहे। कई लोग जो हमारे साथ इस दौड़ को शुरू तो किए थे, अब वे हमारे साथ नहीं। अनेक लोग अपने सुबह धावत होते खरे, परंतु ते आज अपने मुझे नहीं। नॉट बिकॉज ऑफ आवर गुडनेस, नॉट बिकॉज वी वर राइचियस कंपेयर्ड टू देम। इसलिए नहीं कि हम उसे श्रेष्ठ है, इसलिए नहीं कि हम उससे ज्यादा धर्मी हैं, हम यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ सटी नवे कि अपन त्याहुन उत्तम होत, अपन नीतिमान होत। The Lord has kept a remnant. क्योंकि किंतु परमेश्वर ने एक बचे हुए लोगों को रखा है। परंतु परमेश्वर ने एक अविशिष्ट लोकांना ठेवलेला आहे। They shall be seen as showers. और वे लोग एक बरसात की मानी दिखाई देंगे। आणि ते एका पर्जन्या समान दिसून येतील। Dear child of God, you yourself will turn out to be like that showers. हे परमेश्वर के प्रिय लोगो, तू आप एक बरसात की मानी बदल जाएगा। आणि हे देवाचे लेकरा, तू एका पर्जन्या प्रमाणे बदलून जाशील। After quenching your own thirst, तू अपने प्यास को बुझाने के बाद, आणि तू तुझे तार You'll be like showers to others. तू दूसरों के लिए एक बरसात की मानिंद होगा। तू दूसरांसाठी पर्जन्य प्रमाणे होशील। What is mentioned in the book of Job, chapter 23, verse 16? अय्यूब की किताब 23 के 16 में क्या लिखा है? योबा की पुस्तक 23 अध्याय के 16 में वचन काय लिखा है? क्योंकि मेरा मन ईश्वर ही ने नरम कर दिया और सर्वशक्तिमान ही ने मुझको असमझ में डाल दिया। Not that verse. They waited for me as they would wait for a lad. I think 29th verse. 29th chapter.
और 29 वचन में शायद लिखा हुआ है कि उन लोग मेरे लिए ऐसे बाट जो है जैसे बरसात के लिए बाट जो होते हैं। कदाचित जाए 29वें वचन मंदिर लिखा है जहाँ प्रकार परमेश्वर सड़ी बाट पात हाथ they waited for me as they would wait for the latter rain। और जैसे उन लोग बरसात के लिए बाट जो होते हैं वैसे ही वे लोग मेरे लिए बाट जो है जहाँ प्रकार बाट पात तसे ते माझा सड़ी बाट पाऊ दे। A child of God is compared to the showers। एक परमेश्वर का संतान एक परमेश्वर का बच्चा बरसात के साथ तुलना किया गया आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। येणाऱ्या दिवसांमध्ये परमेश्वराचे नाव गौरव होण्यासाठी परमेश्वर तुमचा वापर करणार आहे। डोंट से दैट आई कैनॉट। आप ये ना बोलो मुझसे ना होगा। तुम्ही असे सांगू नका माझ्याकडून हे होणार नाही। सम ऑफ यू विल हैव टू गो सर्व गॉड फुल टाइम। आप में से कुछ लोगों को हमेशा भविष्य की सेवा के लिए आना पड़ेगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि विश्वासी रहते हुए दूसरों के लिए एक बरसात की मानिंग होंगे। ऐसे विश्वासी असाल ते तुम्ही विश्वासी असून देखील दुसऱ्यांसाठी एक परछाई प्रमाणे असाल। Shall we all stand up? आइए हम लोग सब खड़े हो जाए। या बस सभी उठून में रहूया। Let an anointing come upon us। एक अभिषेक हमारे ऊपर बरसने दे। एक अभिषेक अपने ऊपर उतरू ने दे। You are the shower of blessing। आप परमेश्वर की आशीष की बरसात हो। तुम्हें देवाचे आशीर्वाद जे बहुत आहार। When the Lord comes upon you। जब परमेश्वर आपके ऊपर उतरेगा। जब परमेश्वर तुमच्या ऊपर उतरू ने। Every unsanctified nature will be depart। आपके सारे अशुद्ध स्वभाव आपको छोड़ के भाग जाएंगे। सर्व अशुद्ध स्वभाव तुम्हारा सुड़ू निगुल जातील। Yeah, child of God, you are not here by chance। परमेश्वर की प्रिय संतान तू आकस्मिक अचानक यहाँ पर नहीं आया। प्रिय देवाचले ग्रह अचानक तू या ठिकाणी आला नाही। God has a purpose concerning you। God has a purpose concerning your family। तेरे जीवन के संबंध में तेरे परिवार के विषय में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। तुझा जीवना विषय तुझा कुटुंबा विषय परमेश्वराचा एक मोठे उद्देश्य आहे। Sometimes you may be poor, you may be uneducated, it doesn't matter। हो सकता है कि तू एक गरीब व्यक्ति हो तू एक अनपढ़ व्यक्ति हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आणि तू कदाचित दरिद्र असेल तू अशिक्षित असेल काही देखील तुझे फरक पडणार नाही। Will you entrust yourself as you are in the presence of God? जैसा तू है क्या तू वैसे ही अपने आप को परमेश्वर के हाथ पे देगा? आणि तू जसा है तसा परमेश्वराच्या हाती समर्पण करशील काय? God, I believe this verse, Micah chapter 5 verse 7। हे परमेश्वर मीखा की किताब 5 के 7 में जो लिखा है प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। हे प्रभु मीखा 7 अध्याय 5 वचन मध्ये जसे लिहिले आहे मी तसे विश्वास करीतो। All those who believe this lift up your hands। जितने विश्वास करते हैं अपने हाथ ऊंचा करें। जितने विश्वास करीतो अपने हाथ ऊंचा करा। It's not only experience and enjoying this shower। ये केवल बरसात को पाना और उसमें आनंद मनाना केवल नहीं आणि पाऊस पडणे आणि त्यात आनंदी होणे केवढे एवढेच नव्हे। Out of the belly of those who believe, rivers of living waters will flow. विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। अने विश्वास करने लगा मधुर जीवन तो पाने ची नदी वही लगे। A sinner is thirsty. और एक पापी प्यासा है। अने एक पापी तो तान लेना है। A sinner is hungry. एक पापी भूखा है। पापी तो भूखा है। God wants to use you for his glory। परमेश्वर उसकी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तुझे गौरव होण्यासाठी परमेश्वर तुमचा वापर करीत आहे। Can you ask God what his purpose is concerning your life? आपले जीवन के प्रति परमेश्वर तो क्या चाहता है उससे पूछो। आणि परमेश्वर तुमच्या जीवनातून काय इच्छितो हे देवाला तुम्ही विचारा। An anointing will come upon you। एक अभिषेक तेरी पर आएगा। एक अभिषेक तुमच्या ऋतू नाही। An anointing will come upon you। एक सामर्थ्य अभिषेक अभी तेरी ऊपर उतरेगा। एक सामर्थ्य अभिषेक आता तुमच्या ऋतू नाही। Everything will change in your life। तेरे जीवन का सब कुछ बदल जाएगा। तुझा जीवन दिन सर्व काही बदल जाईल। God has brought you in the place of the remnant। परमेश्वर तुझे उस बच्चे में लोगों के मध्य में लेकर के आया है। परमेश्वर त्या लाईलेल्या लोकांच्या मध्ये तुला खेळून आलेला आहे। You will be seen as a blessing to millions। तू हजारो सैकड़ो के लिए आशीष ठहरेगा। तू हजारो लोकांसाठी आशीर्वादित होशील। शराबा कचरा रबा का शराबा कचरा आशीष दी
As I mentioned, जैसे मैंने आपको बताया, ज्या प्रकारे मी तुम्हाला सांगितले, this anointing is not sufficient. ये अभिषेक काफी नहीं. ये अभिषेक आपल्याला पुरेसे नाही. There is an anointing which breaks every bondage. एक ऐसा अभिषेक है जो सारे बंधनों को तोड़ डालता है. एक ऐसा अभिषेक है जो अपने सारे बंधने दूर करता है. This anointing is compared to a wind. ये अभिषेक एक आंधी के साथ एक हवा के साथ तुलना किया गया है. और ये अभिषेक एक वादळाप्रमाणे एक हवेशी तुलना केलेली आहे. When the wind blows against you, जब एक आंधी आपके विरोध में उठता है, जेव्हा एक वादळ तुमच्या विरोधात उठते, When the whirlwind blows against you, जब एक आंधी तूफान आपके विरोध में आता है, जेव्हा एक वादळ तुमच्या विरोधात उठते, You won't remain where you are. जहां पर आप खड़े हो आप वहां पर खड़े नहीं रह सकोगे. जेते तुम्ही आहात तेथे तुम्ही उभे राहू शकता नाही. You will be swept off your feet. और आपके पांव से आप उड़ने लगोगे, उठने लगोगे. आणि तुमच्या पायातून तुम्ही उड्या मारू लागाल, उड्या मारू लागाल. You are worried about the power of witchcraft. आप लोग जादू टोना के शक्ति के संबंध में चिंतित दिखाई दे रहे हो. आणि तुम्ही जादू टोनाच्या शक्तीसाठी तुम्ही चिंतित दिसून येता. Who can stand before the power of God? कौन कौन सी शक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने खड़े हो सकेगा? कौन से सामर्थ्य यीशु के समोर उभे रह सकते हैं? The sickness can stand before God. कौन सी बीमारी परमेश्वर के सामने खड़े होगा? कौन से अधर यीशु समोर उभे रह सकते हैं? Nabokatina,
You are not able to sleep in the night. आप रात को सो नहीं पाते हो. तुम्हें रात्रि थूकू शकत नहीं. Disturb sleep. आपके रात में नींद बार बार टूट जाता है. अरे तुमची रात्री छोप दूर दूर जाते. Often fear takes hold of you. कई बार आप भयभीत हो जाते हो. कदाचित भी कई वेळेस भयभीत होता. But today God is delivering you. लेकिन आज की रात परमेश्वर तुझे छुड़ाने जा रहा है. आज रात्री परमेश्वर तुला सुनीता है. In the name of Jesus. ये परमेश्वर के नाम से. यीशु के नाम से. Let it be any sickness. किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो. कोई भी प्रकार का आजार सुधे. Wherever this water flows. जहाँ कहीं भी ये पवित्र आत्मा की नदी बहती है. गुटे पवित्र आत्मा की नदी वहां है. परफेक्ट हीलिंग. संपूर्ण चंगाई वापस. पूर्ण आरोग्य प्राप्त होते. From anointing come upon the servants of God also. वो अभिषेक सेवकों के ऊपर भी आने दे. अभिषेक सेवकों और यही दे. Lord has come down to sanctify the sons of Levi. लेवी की संतानों को शुद्ध करने के लिए देखो परमेश्वर उतर आया है. परमेश्वर उतरू ना लेना है. Thorough work of sanctification. संपूर्ण शुद्धिकरण का काम. बड़ी परिपूर्ण शुद्धिकरण प्राप्त करा. He is sitting as a reformer in our midst. हमारे बीच में वो एक ताले वाले के समान बैठा हुआ है. He has promised to make his servants flaming spirit. परमेश्वर ने यह वायदा किया है मैं मेरे सेवकों को एक आग की ज्वाला बनाऊंगा. परमेश्वर ने अभी उठन के लिए मौजूद सेवकाना मैं अग्नि ज्वाली बाई करंट आके. Let an anointing come upon the servants of God too. सेवकों के ऊपर भी अग्नि ज्वाला सवार एक अभिषेक उतरने दे. सेवकों को भी के लिए अग्नि ज्वाला सवार अभिषेक उतरने दे. Shut up,